जयशंकर सुनो, एक काम करो, अरुण को ऊपर जल्दी भेजो। ओके सर। सर एडिटर साहब ने आपको बुलाया है। मुझे? हाँ जी सर। हेलो एक मिनट, हेलो पागलखाना नहीं है ये, चलो फोन रखो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये विजयलक्ष्मी के केस की तारीख कल है ना? हाँ। पहले पेज पे ही ये खबर आनी चाहिए। मिस्टर अरुण, विजयलक्ष्मी के खून का पहले तुम डिटेल दो जी, फिर लिखो कि सारी जनता ने किस तरह दबोच कर उसे पकड़ा था जी। पुलिस के द्वारा सुंदर का पकड़ा जाना और कोर्ट की तारीख, ये सारी की सारी डिटेल्स आप जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। ओके ठीक है सर। लेकिन सर इस केस का फैसला क्या होगा? अब इस केस के बारे में एक ही आदमी जानता है, सिविल कोर्ट के जज मिस्टर शिव कुमार। इस राज्य की ईमानदार और साहसी पुलिस की मैं प्रशंसा करता हूं। फैसला टाइप हो गया क्या? रिहाई हो गई या फिर? सारी दुनिया के साथ साथ तुम भी जान जाओगी। क्या हुआ शेखर, कहीं लेट तो नहीं हो गया? नो, बस टाइम हो ही रहा है, अभी तो 10 ही बज रहे हैं। सुंदर कहाँ है? वो ऊपर बुलवा। बुलाओ। हेमा, सुंदर भैया को भेज दो, ये लोग जाने के लिए तैयार हैं। हाँ। भाभी, अंदर आ जाओ। कोर्ट के लिए टाइम हो रहा है, नीचे शेखर भैया बुला रहे हैं। भैया को माँ मैं जा रहा हूँ। जाकर आता हूँ, कहो बेटा। मालिक, जब तक आपके साथ अच्छे लोग हैं ना, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। डर मत बेटी, हमारे पक्ष में ही फैसला होगा। बेटी, माँ उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस नेता परम शिवम का बेड़ा गर्क हो। हमारा नेता परम शिवम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता परम शिवम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता परम शिवम जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारा नेता परम शिवम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता परम शिवम जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चिल्लाएगा क्या? अरे फ्री में कौन चिल्लाएगा, पैसे तो दिए नहीं अभी। ए, क्या है? ये सब भी करते हो? चल यहाँ। जनता को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है, वकील और केस से संबंध रखने वाले ही अंदर आ सकते हैं, जनता से शांति की उम्मीद की जाती है। बताइए आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी का खून आपके भाई ने किया है? सर इस केस में आपके भाई को ही सजा होनी चाहिए क्या? सर प्लीज सर, जाते जाते अपनी राय तो बताते जाइए। इन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। वो देखो विजयलक्ष्मी की माँ। बताइए माँ जी, क्या आप ही विजयलक्ष्मी की माँ हैं? हाँ भाई, यही है उसकी माँ और मैं हूँ उसका भाई। आपको इससे क्या मतलब है? केस के बारे में कुछ जानना। अरे केस के विषय में हम यहाँ आए हुए हैं, आप हमें परेशान करना मत करना। आपके ना देखिए, हम बहुत परेशान हैं, और परेशान मत कीजिए। तुम चलो माँ, इन्हें छोड़ो। इस केस के सारे पहलुओं को देख कर अदालत इस नतीजे में पहुँची है कि मुलजिम सुंदर ने ही ये अपराध किया है, इसलिए केस से जुड़े सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इंडियन पेनल कोड की दफा 302 के तहत
मुलजिम सुंदर को मुजरिम करार दिया जाता है। साजिश करके इस घिनौने अपराध को अंजाम देने के लिए कोर्ट मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा सजाए मौत देती है। इसलिए कोर्ट हुक्म देती है कि मुजरिम को ताजी रात हिंद फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि मुजरिम की मौत न हो जाए। वो इसलिए कि मुजरिम सुंदर की तरह और लोग भी इस तरह का घिनौना अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। चलिए रोइए मत भाभी। हेमा, अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा क्योंकि अभी और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन सब चीजों को नहीं संभाल पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम्हें ही इन्हें भी संभालना है, घर को भी संभालना है और कंपनी की भी देखरेख करनी है। भैया का केस हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं ना? जरूर कर सकते हैं, मैं मद्रास जाकर इन सब चीजों की तैयारी करता हूँ। हम हाईकोर्ट में जीत सकते हैं ना? हाँ, वी डू अवर बेस्ट, बट फैसला हमारी तरफ ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा बहुत बड़ा फैसला है? हमारे मालिक जैसे नेक इंसान आपको मिलेंगे नहीं, और उनको ऐसी सजा। किसी और की साजिश की वजह से केस इस तरह उलझ गया है। ये तो सब उस कमबख्त जज की वजह से हुआ है। मैं तो जरा हिसाब से बात करें, अगर गवाह बदतमीजी से बोले तो उसे क्या सजा मिलती है जानता है? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस लड़के की ऐसी फालतू बातों की वजह से ही सुंदर को आज सजा मिली है। मैंने अपने नमक के साथ वफादारी की थी, कुछ लोगों ने उनका नमक खाकर भी उनसे गद्दारी की। ए, अपना मुंह बंद कर, और तू क्या सोच रहा, सुंदर के साथ तू अकेला है, हम लोग नहीं है? प्लीज थोड़ा शांत रहेंगे आप लोग? एग्जैक्टली, अब तक जो हुआ वो कंफ्यूजन काफी है सर। मैं चलता हूँ। हेमा, मैं मद्रास जाने की तैयारी करता हूँ। जाने से पहले आप एक बार भैया से भी मिल लेना। हाँ। लेकिन मिलकर क्या होगा, ऐसे कभी सुना है जो दिखने वाला ही काम अच्छा करता हो? हमें कोई अच्छा वकील देखकर केस उसे देना चाहिए था, सुंदर की जिंदगी का सवाल है। माँ जी, ये इनकी अपनी राय है, मैं जाने से पहले भाई से मिल लूंगा। चलता हूँ माँ जी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोलती? तुम चुप रहो बेटी, मेरे पेट से जन्मी हो तुम। अब तो सुंदर को बचाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर श्रीमान के सी राजा MA LLB ने हमारे बीच आकर आज इस ऑल इंडिया लॉयर कॉन्फ्रेंस की शोभा को और बढ़ा दिया है। मैं तहदिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे राजा के आने की वजह से हमें फायदा हुआ है। सर, यहाँ आने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ इतने के लिए धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? मिस्टर राजा, आप दिल्ली आए मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये तो है। बहुत ही अच्छा लगा। हेलो रवि, कॉन्फ्रेंस वगैरह सब ठीक ठाक चला था ना? जहाँ तू हो वहाँ सब ठीक ही होगा, चलो चलते हैं। मैं अपने दोस्त की गाड़ी से जाऊँ। ओके सर। चला जा। चल जल्दी जल्दी चल। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ चल। हेलो, कोई आइटम वगैरह है क्या? दरवाजा खोलने बहुत टाइम लगा दिया। क्या रवि, तू अभी तक सुधरा नहीं है? नहीं, कभी कभी मजा कर लेता हूँ। अरे यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, चल कहीं चलकर खाना खाते हैं यार। आज मेरा व्रत है। व्रत है तेरा? अरे रे, मैं तो अपने बाप का इकलौता वारिस हूँ, मैं बिना खाए जिंदा नहीं रह सकता भाई। तो भीख मांग ले। कटोरा कौन देगा? अरे वो मैं दे दूंगा ना। राजा, तुम्हारे फ्लैट की टिकट। हाँ, इसीलिए ये काम मैंने तुम्हें दिया। राजा, तुम दोबारा कब आओगे यहाँ? महाभारत की कृष्ण की तरह, जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तब तब मैं आऊंगा। वही जो टीवी में दिखाते हैं महाभारत, जैसे उसमें कृष्ण जी आते हैं, तू बिल्कुल वैसे ही प्रकट होगा। अबे हाँ। अरे बाप रे। Why don't two people come to Delhi, man? हमने कब मना किया, एक बार शादी का कार्ड तो भेज के देख, सबको लेके आ जाऊंगा।
तुम्हारा हनुमान तुमसे दूर हो सकता है? हाँ, तभी तो उन्हें हनुमान जी की तरह बिना शादी किए रह रहा है। मैंने कब मना किया है, कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिल रही। तुम्हें लड़की मिलना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मिल गई तो खबर भेज देना, आ जाऊंगा। ठीक है, एढ़ोलक चलता हूँ। और यहाँ क्या खास है? अरे यहाँ क्या खास होगा, स्टेशन के बाजू में जो चाइनीज रेस्टोरेंट है वहाँ चिली चिकन बहुत अच्छा मिलता है, और यहाँ ईगल सिनेमा के सामने मुगलाई चिकन बहुत अच्छा बनता है। वो सब छोड़ यार। हाँ? मैंने सोचा मीटिंग में शेखर मिलेगा, लेकिन वो तो आया ही नहीं। उसकी क्यों बात कर रहा है? दो दिन पहले मैंने उसके घर फोन किया था, तो मुझे ये पता चला कि वो किसी केस के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और रात तक वापस आ जाएगा। उसका फोन नंबर क्या है? 422068। हेलो, शेखर हियर। हाँ शेखर, मैं राजा बोल रहा हूँ। मैं होटल में फोन किया था, उन्होंने बताया कि तू आया नहीं है। वो मैं शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, वो जरा यहाँ, तू सामने मिल तब बताता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ। नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे तू कितने भी बहाने बना ले, लेकिन कॉन्फ्रेंस में ना आकर तूने अच्छा नहीं किया। मैंने आने से पहले ही बता दिया था कि मेरे यहाँ से वापस जाने तक ये मेरे साथ रहेगा। अब देखो मुझे इसे ढूंढना पड़ गया। ए शेखर, क्या हो गया तुझे, ऐसे मूल लड़का क्यों बैठा है? वो मुझे एक बहुत ही नेक इंसान का केस लड़ना पड़ा था, लेकिन उसे सजा मिलेगी इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ओह, तो केस की बात है, अब किसी क्लाइंट का केस जीतना ही है, ऐसा जरूरी थोड़े है। नहीं नहीं, वो मेरे लिए सिर्फ क्लाइंट ही नहीं है शेखर, वो मेरे बड़े भाई की तरह। मैंने पहले भी तुम्हें उनके बारे में बताया था, वही सुंदर। तूने कहा होगा यार, लेकिन मुझे याद नहीं, केस क्या है? पेपर में तो पढ़ा ही होगा, वो विजयलक्ष्मी के खून का केस, उसी में वो आरोपी हैं। और? कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा सुना दी है। फांसी की सजा? ये विजयलक्ष्मी कौन है? वो सुंदर के छोटे भाई की बीवी है। ओह, तो इसका मतलब केस वैसा है? तुम समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल वो बिल्कुल बेगुनाह है, लेकिन क्या करें, सारे के सारे सबूत और गवाह उन्हीं के खिलाफ हो गए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। ए शेखर, कोई भी वकील अपने केस को जीतने के लिए जी जान लगा देता है, और वैसे भी हर केस को जीता नहीं जाता। केस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हाईकोर्ट तो है ना, वहाँ सजा को कम करवा सकते हैं। नो राजा, दैट इज नॉट अ पॉइंट, उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। राजा, हाईकोर्ट में इस केस को तुम आर्ग्यू क्यों नहीं करते? क्या मैं? हाँ। आई एम सॉरी, दिल्ली से यहाँ आकर अब मैं कोई भी केस लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। राजा मना मत करना यार, मेरे लिए तो लड़ ले प्लीज। देखो शेखर, हाईकोर्ट में तुम भी केस लड़ सकते हो, यहाँ पर मेरे भी कई जान पहचान वाले हैं, उनमें से ही किसी को बुला लेते हैं। अब इस केस के हारने की वजह से परेशान मत हो, वरना दूसरे केस पे अच्छी तरह ध्यान नहीं दे पाओगे, समझे? सुनो सुषमा, मैं चलता हूँ। ए तू अभी चुपचाप खड़ा है? तो क्या बोलूं मैं? ठीक है, अगर थकने के बाद भी नींद आए ना, तो दो पैग लगाकर चुपचाप सो जाना, और इसे पीने से तुम मत रोकना। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना सो रहा है, आप खाना खा के जाइए। नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा, रात ज्यादा हो रही है, सुबह सुबह 4 बजे जगना है, 6 बजे की फ्लाइट है, तो चलूं। गुड नाइट। हेलो ऑपरेटर, मुझे सुबह 4 बजे जगा देना, दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी है। थैंक यू। हेलो रूम सर्विस, रूम नंबर 201 में एक हाफ चिली चिकन और 2 नान भेज दो, जल्दी करना। ओके। Thank you.
एडवर्टाइजमेंट के लिए एक फोटो चाहिए। क्या आप मॉडलिंग करेंगी? सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छी कंपनी है, अच्छा कैश मिलेगा। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके ओके। चल।
क्यों बे, तुझे शर्म नहीं आती है? देखने में वो कितनी सीधी लगती है, एकदम परफेक्ट है। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तुझे मदद करनी पड़ेगी। एक लड़की के साथ कुछ। कौन सी मॉडल है? अरे यार, पिछले दो महीने से वो पेट से है। अरे उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर के पास लेकर जाओ। इसका अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ? अरे ये वकील का ऑफिस है, अस्पताल नहीं है, और मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। ए मजाक मत कर। मजाक मैं नहीं, तो खुद कर रहा है। अनजाने में हुआ यार। अरे अनजाने में कैसे हो जाएगा, सब कुछ जानकारी तो होता है। ठीक है, जानकर हुआ, अब उसका अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। अरे यार, तो फिर तू ही लेकर जाना, जब इतना किया तो थोड़ा और सही। ए मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। अरे अब डरने से क्या होगा, जब वो कर रहा था तब नहीं सोचा? पूरे के पूरे शहर में चॉकलेट की तरह वो बिकता है, कम से कम सेफ्टी के लिए तो खरीद सकता था। जो होना था वो तो हो गया ना। अच्छा हो गया। अरे मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि उसे अस्पताल ले जाऊं। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मेरी हेल्प कर देना प्लीज। अरे रे 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 रे, हे भगवान, मुझे ये काम भी करना पड़ेगा क्या? अच्छा ठीक है, बता कौन है वो? अरे यहाँ पे तो डॉक्टर ही गायब है, ऐसा तो नहीं कि खुद ही अपना इलाज करवा रहा है वो? अरे वाह, आप यहाँ पर कैसे? डॉक्टर से मिलना था, क्या हुआ है आपको? ओह तो आप ही डॉक्टर हैं। बनीता? मैं ही हूँ। मैं बनीता नहीं हूँ, मैं उसके साथ आया हूँ। आपको क्या चाहिए? अबॉर्शन। मिस्टर, ये फीमेल वार्ड है, सबसे पहले आप बाहर जाइए। जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ है वो मुझसे, मेरा मतलब है कि डॉक्टर से मिलने आए हैं। वनीता कहाँ है? वनीता, ये 2 महीने से गर्भवती है, अबॉर्शन करवाना है, इसलिए लेकर आया हूँ। वनीता, ये तुम्हारे पति हैं? नहीं नहीं, फ्रेंड हूँ, अकेले आने से डर रही थी इसलिए साथ में आना पड़ा। मैंने आपसे नहीं पूछा इसका जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार का पता चलने पे ही अबॉर्शन होगा, ऐसा तो कोई कानून नहीं है। प्लीज, मुझसे इलाज करवाना है ना, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? जाता हूँ, चिंता मत करना, डॉक्टर अपनी ही पहचान। गेट आउट। दरअसल वो क्या है ना कि मैं यहीं कहीं चुपचाप। अटेंडेंट, अटेंडेंट, डॉक्टर बुला रही है। तुम क्या हाजिरी हो, बैठो। ठीक है माँ, अगली बार जब आऊंगा तब आप ही की पसंद की लड़की भी देख लूंगा, ठीक है ना? अरे माँ, वो सब लड़की पसंद करने के बाद देख लेंगे ना, मुझे भी तो पसंद आनी चाहिए ना। माँ स्टडी से फोन कर रहा हूँ, पैसा लग रहा है, रखता हूँ मैं। हाँ माँ, तो मेरी शादी कराने के पीछे ही पड़ गई है। वो जात और गोत्र का मिलाप ही देखती है, क्या इतना काफी है? अच्छा, जिन्होंने तुझे अरेस्ट किया था, वैसे ससुराल की मेहमान नवाजी कैसी लगी? अच्छी रही होगी। मार लगाई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियां दी। इस होटल में रेट पड़ी थी? नेशनल होटल में। अपना खुद का गेस्ट हाउस होते हुए तू वहां क्यों फंसने गया था? समय खराब था, अब बात करके क्या फायदा, गलती हो गई है। नॉर्मली तो वहां रेट कभी पड़ती ही नहीं थी यार, कोई नया ACP ने चार्ज लिया है, बस उसी ने ये वीरता दिखाई है। अच्छा ये बता, उस लड़की को किस डॉक्टर ने चेक किया था? पता नहीं, लेकिन पता चल सकता है। कैसे? मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, तुम बस पैसा दिखाओ, करेक्ट जवाब हाथों हाथ मिल जाएगा। सॉरी, आप चाहे जो कुछ भी कहें, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। जैसा आप कह रहे हैं, मैं वैसा कोर्ट में कुछ भी नहीं कहूंगी। जिसने गलती की है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। इस तरह से जिद मत कीजिए, जैसा आप समझ रही हैं इतनी बड़ी बात नहीं है। उसका किसी ने रेप नहीं किया, वो एक प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट है और ये कुमारा है, टाइम खराब था इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया। अब आप ही ने उस लड़की का टेस्ट किया था, कोर्ट में अगर आप ऐसा बोलेंगे तो दोनों को रिहाई मिल जाएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और इस गंदगी में मैं साथ दूं, आपको मुझसे पूछते हुए शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है, इस शहर में कोई नई बात है क्या? कोर्ट में मैं तुमसे पूछताछ करूंगा, उल्टे सीधे सवाल भी पूछूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, और कोर्ट में तुमको जवाब दिए बिना अपना पसीना पोंछते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। डरा रहे हो क्या? कोर्ट में आप सवाल पूछेंगे और मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मुझे धमकियां मत दो मिस्टर, ये सब पहले होता था। भाई मुझे जो कुछ भी कहना था वो सब मैंने पहले ही बता दिया, आगे आपकी इच्छा। मिस्टर, आपको ये अबॉर्शन, प्रोस्टिट्यूशन, इसके अलावा चार लोगों में बैठकर बात करने वाला कोई अच्छा केस नहीं मिला क्या? नहीं, ऐसे इस मामले में आपको मेरी मदद करनी चाहिए। थैंक यू।
हेलो सर, आपने मुझे पहचाना? नहीं तो? मैं राधा हूँ। राधा? एडवोकेट रवि है ना जो, मैं उसकी कजिन हूँ, हम ऊटी में मिले थे, पहचाना? अब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, भैया ने बताया था। हाँ, अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा हूँ। खाएंगे? नहीं, तुम खाओ। ओके। वार्ड काउंसलर को मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखकर दी थी, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे सजा देंगे? और इसमें क्या लिखा है देखो, कि मैं एक शराबी लड़कियों के पीछे भागने वाला इंसान हूँ? हाँ, ऐसा है क्या? मैंने ऐसी क्या अयोग्यता दिखाई थी? तुम्हारी योग्यता तो मैंने देख ली है। क्या देखा तुमने? हाँ, मैंने तुमसे तमीज से बात की थी, वही मेरी गलती थी ना। जो कुछ भी इसमें लिखा है ना, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, देखना चाहोगी? What you mean? I mean what I said. अब इतना डरपोक नहीं है ये राजा, रबर के सांप को देखकर डरने वाला बच्चा नहीं हूँ मैं। तुम बच्चे नहीं, एकदम बेहुदा इंसान हो। तुम चाहे जो भी समझो, मुझे कितना भी डांटो, लेकिन तुम मुझे पसंद हो, उसके लिए तुमसे पूछना जरूरी नहीं। सर। कब आए तुम? मुझे 10 मिनट हो गए, साइन करेंगे सर। ये लो। थैंक यू सर। सर कुछ और ऑर्डर होगा तो बता दूंगा। थैंक यू सर। हेलो, मेरा जो दिल्ली का टिकट है ना, उसे कैंसिल कर दो। हाँ जी, अब दिल्ली नहीं जाना। थैंक यू। राजा, तू दिल्ली नहीं गया? नहीं, चल अंदर चलकर बात करते हैं। ठीक है, तुम सीधे कोर्ट जाओ, मैं बाद में आता हूँ, आ जा। तू सच में दिल्ली नहीं जा रहा? अब मैं दिल्ली नहीं जा रहा। ये तो अच्छी बात है। कल रात तू ये कह के गया कि दिल्ली चला जाएगा, लेकिन तू नहीं जाएगा, ये मेरा दिल कह रहा था। इसी को तो दोस्ती कहते हैं यार। अब वो केस मैं लड़ूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। अब क्या कंडीशन है यार? अगर वाकई में केस को हारना है तो लड़ने का क्या फायदा? और इस केस को हाईकोर्ट में लड़ने पर क्या स्कोप है, ये पता करना है। फाइल को देखने से पहले मुझे उससे और उसके घर वालों से मिलना पड़ेगा। हाँ, मिल सकते हो ना? कब? आज शाम को ही चलते हैं। क्या हुआ, फिर कोई परेशानी है क्या? वो क्या है कि अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो? केसी राजा को कोई मना करेगा क्या? या फिर सुंदर को रिहाई न मिले ऐसा सोचने वाला इस शहर में कौन होगा? मैं हूं ना, चिंता मत करो। वो सुंदर अब हाईकोर्ट को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट भी चला गया तो नहीं छूट पाएगा। ओए शिव कुमार जो जज है ना, उसके लिखे फैसले को बदलने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। बाकी हमारे आदमी पेट्रोल डालकर? वो सब तो ठीक है नेताजी, शहर में सब लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, हम सबने मिलकर ये सारी साजिश की है, इसलिए उसे ये सजा मिली है। हाई कोर्ट में शायद उसे रिहाई मिल जाएगी। अब लोग तरह तरह की बातें तो करेंगे ही, अगर एक आदमी भी भौंकने को तैयार हुआ तो 10,000 उसके पीछे भौंकेंगे ही। सच तो है भैया, उसके बोलने से ऐसा लगता था कि अपना बुरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। बकवास बंद कर, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से घर जाओ, बाकी का सारा काम मैं देख लूंगा। अब क्या सोच रहे हो? मैं हूं ना। चलते हैं, नमस्ते। परिमल, बेसब्री से फांसी का इंतजार कर रहा ना वो सुंदर, उस बेकूफ से। मेरे को इतना फायदा होगा ये मैंने सोचा नहीं था। हाँ भैया, जैसे हर गधे का टाइम आता है वैसे आपका भी आ गया। अच्छा, इसका मतलब मैं
वो एक कहावत थी जो मैंने कह दी। तो अभी अभी कहना जरूरी था? सिर्फ कहावत ही तो थी। बातें बातों की तरह होनी चाहिए। नमस्कार सर। इसे नीचे छोड़। जब नमस्ते सीमा से बाहर हो जाए ना तो अच्छी नहीं लगती। राजा यही है यहाँ का केयर टेकर, अमन नाम है। आज के बाद तू सिर्फ पैंट पहनेगा। अच्छा बता कैसा है तू? ठीक ही हूँ। तू ऐसे उदास क्यों है? शादी के लिए लड़की नहीं मिली क्या तुझे? मुझे अपनी कोई लड़की दे वो तेरे नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। तेरी माँ चाहे तुझे कितना भी प्यार करती थी लेकिन उन्हें तेरा नाम अमन नहीं रखना चाहिए था। अब तुम्हारा भी तो नाम जयशेखर है ना, पूछो इससे कोई केस जीता है क्या? पूछेगा तो पिटेगा। जाकर गाड़ी से बैग निकाल कर ला जा। क्या भाई सबके सामने पोल खोल देता है तू? जगह कैसी है? फर्स्ट क्लास है। ये कोई गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है क्या? हाँ, तेरे लिए यही थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, इसलिए जगह चुनी ताकि तुझे कोई डिस्टर्ब न कर सके। सुनिए सर, दोनों बैग आपके ही है ना? हाँ हाँ। राजाओं का राजा। देखा तूने सपोर्ट किया, उसने झट से पार्टी बदल ली। सच जान गया वो। मेरी किस्मत ही ऐसी है। ओ, ओ, राजाओं का राजा, राजा। आइए सर। ए अमन इधर आ। बाली अब तक यही है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैंने तुझसे पूछा और तू जवाब ऐसे दे रहा है जैसे कोई दिल्ली में बैठा हुआ हो। चल जा। शेखर ये बाली कौन है? वो शेखर का छोटा भाई। वो यहाँ क्यों ठहरा है? अब तक तो घर पर ही था, सुंदर की गिरफ्तारी के बाद दिमागी परेशानी की वजह से यहाँ आ गया। उससे अभी मिल सकते हैं? उससे अभी उनसे आप नहीं मिल सकते सर। क्यों? पी रहे होंगे ना इस समय? उनके पीने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। पीने वालों को। इसने भी पी रखी है क्या? किसे पता। चौबे जवाब पूछो तो टेलर क्यों देता है बे? टेंट हाउस की पैदाइश। चल भाग। शेखर बाली से मिलना ही पड़ेगा। अरे यार वो अभी। चल मेरे साथ। कौन है भाई? और बाली हाउ आर यू? ये मेरा फ्रेंड है राजा, एडवोकेट। हेलो, तुम एक ही काफी नहीं थे क्या जो इन्हें बुला लिया? हैव अ ड्रिंक? नो थैंक्स। नो, मैं तो कभी पीता ही नहीं। बाली परेशानी तो यहाँ सबको है, पर उसके लिए क्या शराब पी के शरीर खराब करना जरूरी है? लगता है इसके बाद बोतल का नंबर है, इसके पहले निकल लो यहाँ से। बाली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। शेखर हमारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसे क्यों पूछ रहा है? शायद उस आदमी को पसंद ना हो। नो नो ऐसा कुछ नहीं है, बाली बहुत अच्छा आदमी है, अभी पिया हुआ है इसलिए थोड़ी बदसलूकी कर रहा है। तुम चाहे तो देख लेना, इसकी वजह से ही हमें परेशानी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चल देखे हमारा बिस्तर वगैरह लगा कि नहीं। ए अमन उसे मत बुला, गाना गाने लगेगा। हाँ ये बात तो ठीक है, चल तुम। अरे ओए जाने दे, छोड़। Mm-hmm.
नमस्ते डॉक्टर। माँ वो आदमी क्यों आया है? कौन सा आदमी? वही वो, तुम खुद जाके देख लो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल राजकुमार दिखता है, पर यहाँ क्यों आया? वो वकील। कौन, राजा की बात कर रही हो? मैंने फोन पर कहा था ना कि मैं उसे लेकर आ रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी भूल गई? अच्छे वकील के साथ आओगे सोचा था, अब इस आदमी को भैया का केस लड़ने के लिए दोगे? अबॉर्शन प्रोस्टिट्यूशन का केस सॉल्व करने वाले को मर्डर के केस की क्या जानकारी? हेमा माइंड योर वर्ड्स, क्या बेवकूफों की तरह बात कर रही हो? राजा के बारे में तुम जानती क्या हो? दिल्ली में पता है वो कितना बड़ा वकील है? वो किसी भी केस पर अगर हाथ रख दे तो दूसरी तरफ के सारे वकील लाइब्रेरी में घुस जाते हैं पुरानी किताब खोलने के लिए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी हिम्मत नहीं है कि उसकी बहस सुने बिना किसी भी पक्ष में फैसला सुना दे, समझी? हेमा, इसी लड़के ने ही हमारी इंदिरा गांधी की खून का केस लड़ा था। सुंदर भैया को सारी जिंदगी भी सब कुछ अच्छा मिला सिवाय को छोड़ के। अब मैंने क्या कहा? माँ प्लीज थोड़ा शांत रहोगी? हेमा, मैंने राजा को कितने रिक्वेस्ट करके कन्विंस किया है तुम्हें पता है इस केस को लड़ने के लिए? दोस्त होने की वजह से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, कि अगर उस आदमी ने ये केस लड़ा तो हमारा हारना पक्का है। ए, तुम क्या सोचकर उसके बारे में ऐसी वैसी बातें कर रही हो? लुक, अगर इसके आगे तुमने उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं ये केस छोड़कर चला जाऊंगा, समझी? भाभी आप बताइए, सुंदर भैया क्या और मेरा रिश्ता क्या एक वकील और क्लाइंट के बीच के रिश्ते जैसा है? मेरी बात ही नहीं समझ रही वो। देखो मैं कह देता हूँ, अगर इस समय हमें सुंदर भैया को बचाना है तो वो राजा ही बचा सकता है। हेमा, तुमने अगर अपनी अकड़ की वजह से उसे मना कर दिया तो आई एम सॉरी, मुझे इस केस को छोड़ना ही पड़ेगा। हेमा, शेखर की बात मान लो, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? शायद तुम्हारे भैया छूट जाए। ना, मैं कोई जिद नहीं कर रही, बल्कि उस आदमी को देखने के बाद मुझे लगा कि वो अच्छा नहीं है। हेमा की बात का बुरा मत मानना, उसी से कहना कि केस लड़े, मैं हेमा को समझा लूंगी। ठीक है। तू यहाँ क्यों खड़ा है राजा? चल अंदर चलते हैं,
वो जब हेमा को पता चला कि तू इस केस को लड़ेगा तो वो तुम्हारे बारे में इतनी तारीफ कर रही थी कि वो तो अभी से केस जीत लिए ऐसा समझ रही है। अबॉर्शन और प्रोस्टिट्यूशन का केस लड़ने वाले को मर्डर के बारे में क्या पता होगा। मेरे लिए कितनी अच्छी तारीफ है ना शेखर, मेरे बारे में बुराइयां करते करते वो मेम साहब थक गई होंगी। राजा सी एक्चुअली हेमा बहुत अच्छी लड़की है। तू मुझे यहाँ लेकर आया था और अब मैं केस लड़ने से मना कर रहा हूँ कोई अच्छा सा वकील देखकर। बस ऐसी बात मत कर, देख किसी को पसंद हो या ना हो इस केस को लड़ने के लिए तुझे मैं लेकर आया था और सुंदर भैया को किसी भी तरह से जेल से बाहर निकालना है और ये मेरा इस परिवार के प्रति एक कर्तव्य है। प्लीज इस केस को तुझे ही लड़ना है। सॉरी शेखर, तू मेरा दोस्त है लेकिन उसके लिए अपनी मान मर्यादा छोड़कर मैं ये केस नहीं लड़ सकता। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं ना, बस तू कहे तो मैं तेरे पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं। बेवकूफ, अरे तू क्यों पकड़ेगा, जिसको जरूरत है वो पकड़ेगा। मैं गेस्ट हाउस जा रहा हूं। राजा मैं नो आई एम सॉरी, गुस्से में न जाने आपके लिए क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। आप अगर ये केस लड़ेंगे तो बड़े भैया को रिहाई मिल जाएगी, ऐसा सबका विश्वास है। मुझे भी विश्वास है, मेरे से मेरे भैया की रिहाई के बीच नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरे भैया इंपॉर्टेंट है, इसलिए भगवान के लिए आप इस केस को। जानती हो जब शेखर ने मुझे इस केस को लड़ने के लिए कहा था तो मैं बिजी हूं कहकर मैंने मना कर दिया था, लेकिन अचानक पता चला कि तुम सुंदर की बहन हो और उसके बाद मैं खुद शेखर के पास गया और कहा कि मैं ये केस लड़ूंगा। मेरे मन के बदलने का क्या कारण है ये मैंने उसे नहीं कहा और उस कारण को मैं तुम्हें कैसे कहूं ये भी नहीं पता था। यू मीन ये केस मैं ही लड़ूंगा। थैंक यू। थैंक्स राजा, थैंक्स यार। जानबूझकर या अनजाने में सुंदर की इस हालत का एक कारण मैं भी हूँ, यही सोचकर मैं हर पल तिल तिल मर रहा था, लेकिन अब मेरी जान में जान आ गई। थैंक यू। मिस्टर राजा, मुझे अब इसकी कोई उम्मीद नहीं लगती कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। नो नो, आप किस लिए चिंता करते हो भैया, अब तो राजा आ गया है ना, हम जरूर जीत जाएंगे। आप इसके बारे में ये मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही तारीफ करता है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। रिहाई की चिंता नहीं, मुझे चिंता है तो अपनी हुई बदनामी की, मुझ पर लगे बदनुमा दाग की। ये आप क्या कह रहे हैं बदनुमा दाग, अब देखिए हम जरूर जीतेंगे। मिस्टर सुंदर, अगर किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा। शेखर, मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने भी नहीं आया, कहीं वो भी मुझे खूनी तो नहीं समझने लगा है। शेखर, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल वो थोड़ा देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करके आपसे मिलने के लिए कहूंगा। ओके शेखर, मैं अपील प्रिपेयर करके देता हूँ, तुम आज ही कोर्ट चले जाओ, अपील को एडमिशन मिलते ही इन्फॉर्म करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैंने एडवोकेट राजा से बात की, दिल को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आदमी है। हेमा एक काम करना, उनकी हर तरह से मदद करना। हेमा, तुम्हारी भाभी के बारे में सोचकर। आप भाभी की चिंता मत कीजिए, उनको देखने की जिम्मेदारी अब मेरी, अगली बार आते समय जरूर मैं उनको साथ ले आऊंगी। ठीक है हेमा। मिस्टर सुंदर को ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठे हैं, अगर उन्हें बचाना है तो इस केस के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी चाहिए। कुछ बातें तो मैं तुम्हारी भाभी से पूछ लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनकी जगह तुमसे पूछा जाए तो मुझे कुछ क्लू मिल सकता है। वैसे शेखर ने मुझे बताया है लेकिन वो काफी नहीं। आपको क्या जानना है? सबसे पहले तो ये जान लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इस केस को जीतना है, इस बात को ध्यान में रखकर तुम मेरे सवालों का जवाब दो। जब विजयलक्ष्मी मरी थी
उस वक्त तुम यहीं पे थी? नहीं, मैं मद्रास में थी। फिर तुम यहाँ कब आई? आज से 5 महीने पहले। मैं अपने घर में सो रही थी तब अचानक एक रात फोन की घंटी बजी। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। भाभी, पोस्टमार्टम हो गया डॉक्टर साहब? ठीक है डॉक्टर, बॉडी ले लो। ओके, वो डेड बॉडी को स्टेटमेंट में साइन कीजिए, फिर बॉडी ले जाएंगे। लाओ। नहीं, बॉडी सिर्फ हम लेके जाएंगे। सिद्धू, वो हमारे घर में मरी थी, उसे मरे बहुत टाइम हो चुका है और हमारे सारे लोग यहीं पर हैं और अंतिम संस्कार यहीं करना अच्छा होगा। मेरी बहन की बॉडी मुझे ले जाने दीजिए सर, मैं ही उसका अंतिम संस्कार करूंगा। समझदारी से काम लो, बॉडी की हालत खराब है, इस हालत में गांव लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है। लाश को कोई परेशानी नहीं होती है, हमेशा उठाने वाले को। ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? बॉडी कौन लेकर जाएगा पहले ये फैसला करो। मिस्टर देवराज, मेरे ख्याल से लड़की के घर वालों को ही लड़की की बॉडी ले जानी चाहिए। ए, ये कहने वाले तुम कौन हो? क्यों ना बोलूं मैं? मेरी एक बात सुनो, बॉडी ले जाने दो। कौन से कहते उनसे? भैया, उन्हें ही लेकर जाने दो। माली, ये क्या कह रहे हो तुम? नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम नहीं समझोगे ये सब। वो ठीक बोल रहा है, जब पति ही राजी हो गया है तो तू बीच में इस तरह टांग क्यों अड़ा रहा है? चुप रहो तुम। ये लो सिद्धू, इस पर सिग्नेचर करके आगे की तैयारी करो। तुम लोग भी जाओ। देवराज, कम। उसके घर वाले मांग रहे थे ना, ले जाने दो। भाभी, उस दिन क्या हुआ था? लक्ष्मी भाभी ने आत्महत्या क्यों की? यही तो नहीं पता। हम गांव गए हुए थे मेला देखने, लोगों ने बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है। हाँ हेमा, मैं भी गांव में ही थी। खबर मिलते ही मैं जैसी हालत में थी वैसे ही इसके साथ यहाँ चली आई। खुशी में ना सही, लेकिन दुख में तो जाना जरूरी है ना। भैया, लक्ष्मी भाभी ने ऐसा क्यों किया? मेरे समझ में नहीं आ रहा है माँ। उस दिन नासिक जाने के लिए मैं रेलवे स्टेशन में गया था, ट्रेन 4 घंटे लेट थी, तो मैंने सोचा कि घर जाकर क्यों ना मैं थोड़ा आराम कर लूँ। यही सोचकर मैं घर पहुँचा और फिर घर का दरवाज़ा खोलने के लिए मैंने अपने घर के नौकर मनीराम को तुरंत उठाया, उसे लेकर ऊपर गया और फिर बाली भैया, आपको तो पता ही होगा ना? मुझे तो वो भी नहीं पता जो भैया को पता है। दोस्त की शादी में उसके घर गया था, खबर मिलते ही तुरंत वहां से भागा। तुम्हारी भाभी ने ये सब क्यों किया मुझे नहीं पता हेमा, लेकिन अगर मैं यहां होता तो उसे मरने नहीं देता। विजयलक्ष्मी की मौत एक आत्महत्या है, इस बात पे तुम्हें विश्वास है हेमा? मैं कुछ भी नहीं कह सकती। आत्महत्या करने का कोई तो कारण होना चाहिए, है ना? मुझे नहीं पता। तुम्हारी भाभी जब मरी थी उस समय घर में कौन कौन था? सिर्फ मनी ही था। अब वो कहाँ मिलेगा? अपने घर पर होगा, किसी को भेज दो बुलाने के लिए। नहीं, मैं खुद मिल लूंगा, चलता हूँ मैं। ए मनी, ये साहब हमारे दिल्ली के वकील है। हाँ? हमारे मालिक को बचाने आए हैं, ये हमारे लिए देवता समान है। नमस्ते साहब। जो भी मैं पूछूं उसका जवाब देना। पूछिए साहब। विजयलक्ष्मी जब मरी थी उस समय तुम घर में ही थे ना? हाँ, हाँ जी। वहाँ क्या हुआ था वो सब कुछ मुझे बताओ।
वो सब तो कोर्ट में बता दिया था सर। कोई बात नहीं, एक बार और बताओ। जिस रात छोटी मालकिन मरी थी, ए मनी जल्दी उठ, ए मनी उठ उठ, अरे उठ तो। साहब आप नासिक नहीं गए? ए जल्दी उठकर दरवाजा खोल, ऊपर से कुछ जलने की बू आ रही है। मालिक आप अंदर मत जाइए, मालिक मालिक आप आगे मत जाइए, चलिए मालिक। बाद में पता चला जो मरी वो छोटी मालकिन थी। वहां तुमने किसी और को देखा था? और किसी को नहीं देखा। जब घर के अंदर कोई था तो तुमने बाहर से ताला क्यों लगाया? ऊपर कमरे में छोटी मालकिन अकेली थी, घर पे और कोई भी नहीं था, मैं अकेला, बस मैं ही था। तुम अंदर क्यों नहीं सोते? मुझे हमेशा बाहर सोने की आदत है। आत्महत्याएं शुरू में पुलिस ने भी कहा था, फिर खून में कैसे बदला? वो छोटी मालकिन के मरने के थोड़े दिन बाद एक काम के लिए मैं परम शिवम के घर गया। अरे सुनो मनी, हाँ। तुम्हारे भाई के कहने से मेरे भाई को काम मिल जाएगा ना? तुम्हारा कहना वो मानेंगे ना? कुछ कहने से वो सुनता है क्या? वो तो अपने बाप की भी तो नहीं सुनता। मुझे यहाँ क्यों लाए? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता माल लाया क्या? वो जेब समेत निकाल लेगा, तू अंडरवियर में रख दे। मेरा कमीशन लाया है ना, मेरा कमीशन लाया ना। अच्छा आदमी है। देखिए माताजी, विजय लक्ष्मी का आत्महत्या करने का कोई भी कारण नहीं था। जब ये बात आप पुलिस से कहोगी तब वो कुछ ना कुछ पूछकर आत्महत्या ही सी कहकर तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे और आप लोग चुप हो जाएंगे। पुलिस क्यों झूठ बोलेगी? काम चोरी के लिए। आप भी क्या बात करती है माँ जी, ये जो सुंदर है ना उसके पास बहुत धन दौलत है, वो चुपचाप नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ तो करेगा। वो आराम से खूनी का पता लगाने के लिए हम अपना टाइम खराब क्यों कर रहे हैं, ये कहकर पूरा पुलिस थाना भी चुपचाप बैठ गया होगा। जोर से दब गया क्या? छी, माँ जी मुसीबत में है और तू इस तरह मजाक कर रहा है। माता जी, वो तुम्हारी बेटी ने प्यार करके शादी की थी ना, सो दहेज की तो कोई बात ही नहीं की होगी ना। और इसके अलावा क्या कारण हो सकता है, आपको कुछ आइडिया? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं पता होना भी नहीं चाहिए, ये कारण वारण सबूत वगैरह है, किसी को पकड़वाना ये सब पता लगाना सिर्फ पुलिस का काम है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ सही कह रही है। ओए परिमल, जरा ठीक से समझा दे उनको। हाँ। माँ जी आप परेशान मत होइए, थोड़ा बहुत धुआं छोड़ना है, बाकी हमारे लोग पेट्रोल डालकर उसे धुआं जैसा बना देंगे। ठीक कहा ना भैया? नेताजी वो कैसे होगा, थोड़ा खुल के बताएंगे क्या? वो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी जो भी तुम्हारे मन के अंदर चल रहा है पुलिस को लिख कर दे दो, उसके बाद एक कॉपी आईजी पुलिस को और एक कॉपी होम मिनिस्ट्री को भेज दो, जहां पहुंचना है खुद पहुंच जाएगी। मालिक, मालिक। ए, ऐसे क्यों हाँप रहा मनी, क्या हुआ? बोलना तो। छोटी बालकी ने आत्महत्या नहीं की, वो खून था। क्या कहा? ऐसा कैसे? छोटी मालकिन की माँ और उनके भैया पुलिस के आईजी और मिनिस्टर को कंप्लेंट देने वाले हैं। ये सब तू कैसे जानता है? उनको परमशिवम के घर में बातें करते सुना मैंने। हो, ये सब कुछ परमशिवम ने किया? अच्छा वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो यह सब करके तमाशा देखना चाहता है। परम शिवम के भड़काने की वजह से सारे शहर के आदमी, औरत, सब सभी लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरे मालिक सुंदर साहब को ही खूनी बोलने लगे साहब। इसी तरह परेशानी बढ़ती गई।
विजयलक्ष्मी का खून सुंदर ने किया होगा ऐसा शक कब हुआ? शुरू में जब हल्ला मचा तब किसी का नाम नहीं आया था, धीरे धीरे भैया का नाम जोड़ने लगे। उसके बाद पेपर में न्यूज आई कि अब मंत्री लोग भी इस केस में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। एक दिन भैया के दोस्त और उनके साथ सब इंस्पेक्टर मुरली घर आए। आइए आइए, बड़े अचंभे की बात है। क्या बात है, दोनों आज साथ आए हैं? ए मणि, दो कॉफी लेकर आ। नहीं, रहने दो। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सुंदर, I have a bad news for you. Bad news? ये क्या बोल रहे हो? Come on, जो भी हो साफ साफ कहो। सुंदर, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने वाली है। हाँ? What? मुझे गिरफ्तार कर दी? किस लिए? विजय लक्ष्मी का कत्ल तुमने ही किया है, ऐसा कोई सबूत मिला है। विजय लक्ष्मी को मैंने मारा? Nonsense, मजाक कर रहे हैं? सॉरी सुंदर, ये एसपी ने मुझे बताया। अच्छा, उस एसपी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है? उन्होंने कुछ ठीक से नहीं कहा था, लेकिन मैं उनकी बातों से समझ गया था। बेटा, इन्हें कोई खूनी बोलेगा तो कौन विश्वास करेगा? हमारे परिवार को तोड़कर कोई खुश नहीं रह पाएगा। थोड़ी देर शांत रहो माँ। मुरली, मेरे ऊपर शक करने का आखिर कारण क्या है? वो कल्याण। सुंदर, वो बताने में झिझक रहा है, मैं बताता हूँ। तुम्हारे विजय लक्ष्मी में गलत समझ थी, ये बात किसी को पता न चल जाए इसलिए तुमने उसे मारा। क्या बोला? किसके बारे में क्या बोलना चाहिए, कुछ इंसानियत ही नहीं? वो मेरी बेटी की तरह थी। सुंदर, मेरे ख्याल से तुम बेल ले लो। क्या बात कर रहे हो तुम? जो गलती मैंने नहीं की वो क्यों भुगतूं मैं? अगर कोई मुझसे बदला लेना चाहता है तो मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। सुंदर, तू जल्दबाजी क्यों कर रहा है? इसमें कोई राज जरूर है, हमें उसका चालाकी से पता लगाना होगा। ओके, एज योर फ्रेंड, जो मैंने कहना था कह दिया, हम चलते। चलो। तुमने कहा था कि तुम्हें एक जरूरी सबूत मिला है, वो क्या है? लक्ष्मी भाभी ने खत लिखा था, सुंदर भैया ने भाभी से कुछ गलत हरकतें की, ऐसा लिखा था उस खत में। उस खत को विजय लक्ष्मी ने लिखा था? पता नहीं, लेकिन कोर्ट में उस खत को भाभी ने ही लिखा था, उन लोगों ने ये बात साबित कर दी। हेमा, बेहुदा सवाल कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। सुंदर पर लगे आरोप में कुछ सच्चाई हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे भैया बिल्कुल ऐसे नहीं है। इतना ही काफी है। हेमा, तुम एक डॉक्टर हो, आदमी को अच्छी तरह समझ सकती हो, लेकिन किसी वीक मूवमेंट पे घर में सबकी गैर हाजिरी में कहीं सुंदर, अब उन्होंने खून किया होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सुंदर ने ऐसा कुछ किया होगा तो बदनामी के डर से कहीं विजय लक्ष्मी ने खुदकुशी कर ली हो तो? आप अपनी मर्जी से उल्टे सीधे सवाल पूछते रहेंगे, मैं उन सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती। सॉरी हेमा, मैं एक वकील हूँ, मुझे सब कुछ जानना जरूरी है, समझ गई? चलता हूँ मैं। मनी, जरा इधर आओ। अभी आया साहब। तुम्हें यहाँ कुछ काम है क्या? कुछ जरूरी काम नहीं है। ठीक है, गाड़ी में बैठो। हाँ। मनी, उस परम शिवम और सुंदर के बीच कुछ झगड़ा था क्या? हमारे मालिक ने नई कंपनी खोली थी, इसलिए काम करने वाले वर्करों के बीच में यूनियन जैसा कुछ नहीं था, लेकिन परम शिवम अपने आदमी को इकट्ठा कर यूनियन में शामिल करने के लिए, परम शिवम बार बार वर्करों को तंग किया करता था, जो उसकी बात ना माने उसे पीटता था। इस तरह की दखलअंदाजी को बंद करने के लिए परम शिवम के खिलाफ साहब मेरे मालिक ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। तब पुलिस में मेरे मालिक की बहुत पहचान थी, उन लोगों ने परम शिवम को गिरफ्तार करके हाथ पैर तोड़ दिए, पर पुलिस से मार खाने के बाद उस दिन परम शिवम ने मेरे मालिक से बदला लूंगा ऐसा कहा था, उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया साहब, मेरे मालिक को झूठे केस में फंसा दिया,
मुझे उसके घर का रास्ता बता। आगे जाकर लेफ्ट लेंगे तो परम शिवम का घर है। नमस्ते। नमस्ते मिस्टर परम शिवम। क्या तू? हाँ मैं परम शिवम का मैनेजर हूँ। ये कह रहा था आपको कोई परेशानी है? तो तू ही परेशानी है। उनसे थोड़ा मिलना था मुझे। मुझसे कहोगे तो भी चलेगा। कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मंत्री जी से मिलना है। ओए, और इलेक्ट्रिकल पूरा बेशर्म है क्या? नहीं रोकता तो ऊपर ही चढ़ जाता। जब बुलाने के लिए कहा तो बुला ना। ये कौन है बताओ? केसी राजा, MABL सुप्रीम कोर्ट वकील। इनके पिता चंद्रशेखर, जिनके पास 50 एकड़ जमीन है। इनका सारा काम, मतलब इनका सारा व्यवसाय इनकी माताजी राधा रानी ही देखती है। प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में बड़े जोरों से चल रही है। पैसा धड़ल्ले से गिरता जा रहा है। दिल्ली के करोलबाग में बड़े से बड़े बंगले में अकेला रहता है। और केसी राजा ने अब तक अपनी शादी नहीं की है। एकदम पक्का ब्रह्मचारी। ठीक कहा ना? मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इस शहर में 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुढ़े तक से पूछना है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, समझ गए ना? हाँ भैया। ओए, ये चमचागिरी वहाँ दिखा, यहाँ मत दिखा। क्यों बेटा राजा? वकालत पढ़ने के बाद, इतने ढेर सारे मेडल जीतने के बाद और तुम क्या क्या लेना चाहते हो? मैं नहीं समझा। हाँ नहीं समझे? सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी बहस करने वाले तुम इतने बड़े वकील, आज इस निचले कोर्ट में बहस करने आ गए भाई, कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई किस लिए? अच्छा नहीं है ये। सब कुछ कह दिया आपने। एक आखिरी बात बाकी है और। कहिए। तू जिस शहर से भी आया हुआ है, आज के आज सही सलामत वापस चला जा। मुझे डरा रहे हैं? नहीं, एक बड़े भाई की तरह तुझे समझा रहा हूँ। और अगर नहीं माना तो? अगर मना किया जरा देखो, हाथ उठाने के लिए मेरा एक आदमी, और उसे रोकने के लिए दूसरा, और मसाज के लिए तीसरा। ये सब मेरे पाले हुए बच्चे हैं। वो क्या है, मैं कहूँ पेड़ सीधा है तो ये तुरंत जाकर उस पेड़ को बेरहमी से काट देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। और मुझे दिखाऊं क्या? मुंह बंद कर, मजाक करता है। अरे अरे मारपीट मेरे बस की बात नहीं है। दिल्ली की अगली ट्रेन कब है? मेरे लड़के इस खेल में खिलाड़ी है, तुम्हारा तुरंत इंतजाम करा देंगे। अपनी बड़ी इज्जत है यहाँ भाई। अच्छा अब तुम जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ। मिस्टर परम शिवम, एक बात कहनी थी। मैं यहाँ सुंदर के केस के सिलसिले में आया हूँ, और मैं जरूर लड़ूंगा। क्या मतलब? खुद पता चल जाएगा। अरे नारियल और मेरे पैरों में, ये नारियल क्यों गिरा रहे हो भाई? अब आप भी क्या बात करते हो, नारियल के बगीचे में नारियल नहीं तो आम गिरेंगे। अरे हाँ हाँ करेक्ट बोला, तो मैं चलूं? अभी तक तो ये सिर्फ नारियल ही गिरा रहा था, अब मुझे क्यों गिराया? लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? तो शुरू करें साले साहब। हाँ क्यों नहीं।
केसी राजा एम ए बी एल सुप्रीम कोर्ट लॉयर, बाप का नाम चंद्रशेखर, माँ का नाम राधा रानी, जोरों की प्रैक्टिस, धड़ाधड़ पैसों का गिरना, ये सब तो जान लिया तूने, लेकिन एक बात नहीं जान पाया तू, परम शिवम। सीधे पेड़ को तू टेढ़ा ही कर सकता है, लेकिन टेढ़े पेड़ को भी मैं सीधा कर सकता हूं। अब अगर सुंदर के केस में दखल अंदाजी की ना तो मैं फाड़ डालूंगा तुझे। की हुई विजय लक्ष्मी के केस के बारे में बहस सुनने के बाद मुलजिम सुंदर को बेकसूर साबित होने के लिए एक और अंतिम मौका यह अदालत इनको देती है ताकि इनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। सेशन कोर्ट में इस केस के दौरान काफी गलतियां हुई हैं जो अनुचित है। सेशन कोर्ट में इस केस से जुड़े हुए गवाहों से अच्छी तरह से पूछताछ बिल्कुल नहीं की गई है और इस केस के मुख्य आरोपी सुंदर से किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई है। मुलजिम सुंदर के खिलाफ सरकारी वकील ने अभी तक केवल एक ही पक्ष पर कार्य किया था, लेकिन हमारे कानून के नियम के मुताबिक मुलजिम को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है ताकि उचित न्याय हो सके। इसीलिए इस केस में अधूरी कार्रवाई होने की वजह से इस केस को नए सिरे से ओपन करने का आदेश ये अदालत आज और अभी देती है। सुंदर का केस दोबारा ओपन हो गया, अब उसे हाई कोर्ट में बेकसूर साबित होने के बाद रिहाई मिल जाएगी। वहाँ भी हमारा जज नहीं होगा, कोई और जज होगा। फिर से ये दोबारा पूछताछ क्यों? हाई कोर्ट ने सुंदर को बेकसूर नहीं कहा है, लेकिन दोबारा पूछताछ इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि सेशन कोर्ट में ठीक से फैसला नहीं हुआ है। शुरुआत से ही सुंदर से वकीलों का पूछताछ करने का जो तरीका था वो गलत था, और इसीलिए हमारे सरकारी वकील और जो हमारे गवाह थे वो सारे के सारे अपनी गलती के कारण संदेह के घेरे में। भैया भैया, दोबारा पूछताछ के बाद फैसला क्या होगा? तुम्हारे विचार से फैसला क्या? भैया, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। खड़ा हो, मैं तुझे उठा नहीं सकता, तू खुद खड़ा हो जाना। भैया, मुंह तो खोल के देख भैया के बच्चे। परिमल, अगर सारे गवाह कोर्ट में पहले की तरह गवाही दे दें तो इस सुंदर को जरूर फांसी की सजा हो जाएगी। अब तू बैठ जा। माफ कर दो भैया, माफ कर दो, अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो। तेरी तो मारना नहीं भैया, मारना नहीं। तुझे क्यों मारूंगा, पैसा गवाहों के मुंह पे मारूंगा और फिर मैं उन्हें खरीद लूंगा। वो तो ठीक है भैया, लेकिन जिस केस से आपका कोई संबंध नहीं है उसमें आपका फायदा? मेरा क्या फायदा है? हाँ, तू कहाँ का रहने वाला है? पाटलिपुत्र। और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? राजगढ़। तुझे मेरे यहाँ काम पर रखने का मेरे को कोई फायदा होने वाला है? और सुन, जब तक उस सुंदर को फांसी की सजा नहीं मिल जाती मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। कितने दिन मैं लॉकअप में रहा पता है, और कितने जुल्म सहे हैं मैंने, न जाने कितने दिनों तक भूखा प्यासा रहा हूँ मैं। उस दिन शहंशाह वो था, लेकिन आज का शहंशाह मैं हूँ मैं। मेरी पूरी दौलत दांव पर क्यों न लग जाए, मैं उसे पल भर के लिए भी चैन से नहीं रहने दूंगा। सुनो परिमल। हाँ भाई। एक बात तुम मेरी ध्यान लगा कर सुनो। हाँ। अब आगे ऐसी तैयारी करनी है कि कोई गलती ना। इस केस में सुंदर के खिलाफ सरकारी गवाह मिला के कुल मिला के 32 लोग उपस्थित थे। उनमें 3 लोगों की गवाही को ही सरकार बहुत बड़ा मानती है। नंबर 1, इसका नाम रानी, बहुत रंगीली है, बस शर्माती थोड़ा ज्यादा है, लड़कियों से तो बात भी नहीं करती है, लेकिन फिर भी इसके काम से इसका नेटवर्क फैला हुआ है। इसके और सुंदर के बीच रिश्ता है ऐसी कोर्ट में गवाही दी है इसने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। और इस इंसान का नाम मुसद्दीलाल है।
सुंदर के घर के बाहर कंपाउंड में ही रहता है। सुंदर ने ही विजयलक्ष्मी का बलात्कार किया था और इसने अपनी आंखों से देखा, ऐसी गवाही दी है इसने। यह तो सुंदर का ही आदमी था, फिर इसने ऐसा क्यों कहा? कोई पहले की दुश्मनी थी क्या? ऐसा तो नहीं है, मेरे ख्याल से पैसे का कमाल है। इसके बाद विजयलक्ष्मी ने खुद उसकी माँ को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को उसकी बेटी ने ही लिखा था, ये दावे के साथ कह रही है उसकी माँ। और उसके बाद पुलिस, वेल, सब सुंदर के खिलाफ हो गए, ये तो तुम जानते ही हो। सो ऐसे गवाहों पर कोर्ट ने विश्वास किया, यही आश्चर्य की बात है। इन सब के बाद उस रिश्वतखोर नेता परम शिवम की रिश्वतखोरी इस केस की तह तक घुसी हुई है। इतनी सारी परेशानियां होते हुए भी हम इस केस को दोबारा शुरू करके क्या करेंगे? राजा, मेरी बात को समझ। मैं मानता हूं कि मैं उन गवाहों को अपने सवालों के जरिए नहीं तोड़ पाया, बट आई नो यू कैन डू इट। प्लीज डू इट, ऑल द बेस्ट। चाहे कोई कितना भी कहे, मैं पैसे नहीं दूंगी, बस। देखो हेमा, इन लोगों ने मेरे पैरों में गिरकर प्रार्थना की थी, इसलिए मैं सुंदर की तरफ से गवाही देने के लिए तैयार हुआ। मेरी बहन तो मर चुकी है, अब तो वो वापस नहीं आने वाली। उस ऊपर वाले की दया से तुम्हारा सुंदर वापस आ जाए, एक अच्छा मौका मिला है तुम लोगों को। तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास नहीं है। सच कहूं तो पैसे के लिए ही तुम्हारी तरफ से गवाही देने के लिए तैयार था, मैं दिल से तैयार नहीं था। इसकी वजह से परेशानी होगी तुम्हें और तुम्हारे पति को। मैं चलता हूं। सिद्धू सिद्धू, ए रुक रुक तो जरा, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? वो तो ना समझ है, गुस्से में बोल गई। रुक, मैं बात करता हूं। हेमा, भगवान ने हम लोगों को बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत है, सुंदर छूट जाएगा। सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं, बल्कि 20 लाख रुपए देकर भी अपने भाई की जान बचाने को तैयार हूँ। लेकिन इस आदमी की बातों पर मुझे भरोसा नहीं। हेमा, कभी कभी दुश्मनों पर भी भरोसा करना पड़ता, और कोई रास्ता नहीं। हेमा, बात मान लो, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? शायद तुम्हारे भैया छूट जाए, कम से कम मेरे लिए मान लो। हाँ, हाँ हेमा, प्लीज। भाभी, राजा को आने दो, उससे पूछने के बाद दे देंगे। क्यों हेमा, ये क्या बात हुई? राजा को एक बार आने दो, उससे मुझे पूछने दो। क्या वो कोई ज्योतिषी है? मेरे भैया के जेल जाने से पहले मैंने ही उन्हें कहा था कि हेमा सब कुछ संभाल लेगी, ये गलती मेरी थी। तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं देने की, मैं ही अपने गहने बेच के दे दूंगी। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको लगता है कि मैं पैसे नहीं दूंगी? मेरे लिए आप जरूरी हो। सिर्फ 2 लाख रुपए ही नहीं, जितना मांगोगे उतना मैं दे दूंगी। जरा वो दीजिए। अपनी जिम्मेदारी पर लेकर दे रहा हूँ, मेरा नाम मत खराब कर देना। अच्छे काम की सराहना करनी ही चाहिए ना? हैं? राजा, छोड़िए सर, जब ये वकील यहाँ पर नहीं आया था तो आप इसकी बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे। इससे आगे मैं यहाँ पर ठहरना नहीं चाहता, चलता हूँ। कोर्ट में मुलाकात है, देखेंगे। अपना ख्याल रखना। तेरी तो। अब जा भी। सिद्धू, चल। राजा, आखिर तुमने ये चेक क्यों फाड़ दिया? एक जरूरी गवाह निकल गया ना। आपने क्या समझकर वो चेक उसे दिया था? उससे पता है क्या होता? तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हें भी नहीं पता? सुंदर की तरफ गवाही देने के लिए एक सरकारी गवाह को आप खुद रिश्वत देंगे तो केस हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा तो और क्या होगा? मैंने काफी समझाया ही नहीं। मेरी मानो, वो धोखा नहीं देगा। किस विश्वास से आप ऐसा कह रहे हैं? अगर आप 2 लाख रुपए देंगे तो परमशिवम 4 लाख रुपए देगा। हाँ, पॉइंट तो है, ये तो सोचा नहीं कहीं हम लोग। मैं आखिरी बार कहता हूँ, आज के बाद मुझसे बिना पूछे इस केस से जुड़े गवाहों या किसी दूसरे से अगर आप मिलेंगे तो बाद में मेरा इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। आप सबको अच्छा लगा ना? दूध पर नींबू गिरने की तरह राजा ने यहाँ आकर सारा काम बिगाड़ दिया है। अगर वो उस समय यहाँ नहीं आता तो। अब आ गया है ना, उसके बाद नहीं आता तो क्या होता? ए, मैंने कहा था ना कि भैया के पास ही नहीं, राजा के पास भी बहुत दिमाग है। ओए, जो तूने अभी कहा वही दोबारा मेरा चेहरा देख के बोल। राजा के पास बुद्धि, शक्ति, हे भगवान, मैं क्या। मेरा ही नमक खाकर मेरा मजाक उड़ाता है? नए लॉन्डों की बहुत तारीफ हो रही है, उन्हें बड़े बड़े मेडल दिए जा रहे हैं। ए तुलसी। हाँ साहब। जल्दी जाकर उस कड़क कमलराज को बुला के ला। हमारे रहते हुए वो किस लिए साहब? तुम लोग सिर्फ खाने के काम क्यों, बस जल्दी से उसे बुला के लाओ यहाँ। ठीक है।
आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब फिट कर दूंगा। आओ प्रिया, आओ प्रिया, गुलाबी। क्या हुआ? आई। ओ प्रिया रसगुल्ला आओ। दीदी गुलाबी रसगुल्ला रंगोली मनमोहनी। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना दीदी। नहीं पहचाना? कौन हो तुम? तुम्हारे जैसी सारी दीदियाँ मुझे पहचान लेती हैं। जल्दी कहो, मुझे बाहर काम है। मुझे अंदर बहुत काम है। ठीक है, सब खुल के बताता हूँ। इंदिरा नगर के नाम से एक बहुत बड़ी जगह है। उसका मैं क्या करूँ? उसका कुछ नहीं करना, वो तो ठीक ठाक है। उसके आसपास 3,000 एकड़ की जमीन है, 4,000 नारियल के पेड़ हैं, और बीच में एक बहुत बड़ा बंगला है जिसमें 500 नौकर चाकर हैं, और उसमें 300 आदमी हैं, 200 औरत हैं, और 5-6 मेरे जैसे हैं। इतना ही है ना? ये क्या इतनी जल्दी उठ गई आप? दीदी दीदी मामला आपने आधे पर ही छोड़ दिया। मद्रास शहर में इधर उधर भागती फिरती है लंबी सी। क्या चीज? अरे बस, उसमें से 50-60 इन्हीं की है। बीच है ना बीच, वही समंदर, उसके बीचों बीच खड़ा है। क्या चीज? पानी का जहाज, वो सब इन्हीं का तो है। इसके अलावा अनगिनत पैसा, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, बहुत है। वो खुद यहाँ आपके घर पधारे हैं। देखो देखो। यही वो जमींदार है? हाँ जी, मेरा मतलब नहीं, ये जमींदार नहीं, उनके पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं? इतना परेशान क्यों होती हो? ये तो सिर्फ 250 एकड़ की जमीन रखे हुए हैं। रखने वाले हैं, अभी कुछ दिन पहले ही तो राजनीति में आए, झटपट सब कमा लेंगे। दीदी ओ प्रिया प्रिया, मैं फंसा लिया। आइए अंदर आइए, सारे कस्टमर बराबर हैं, चाहे जमींदार हो या ज्वेलरी की दुकान वाला आदमी हो। हाँ जी दीदी, दिल की बहुत दयालु है। तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा कस्टमर नहीं हूँ। बड़ी बातें कर रहा था, इसे यहाँ क्यों लाया है? बात है ना, मामला धीरे धीरे खुलेगा, मैं तो चली। तुम्हें मेरी एक सहायता करनी है। सहायता? और मैं क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनो, तुम्हारे जरिए एक काम होना है, चाहे जितना पैसा मांगोगी दूंगा, लेकिन मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना होगा। मैं एक लड़की से प्यार करता था, पैसे वाला लड़का मिलते ही उसने मुझे छोड़कर उससे शादी कर ली। अब उसका पति खून के केस में फंसा हुआ है, मुझे अपना बदला लेने का यही एक मौका मिला है। वो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा कस्टमर है, तुम्हें ऐसी झूठी गवाही कोर्ट में देनी है। ऐसा मैं नहीं कर सकती, आप यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा ना कि जितना चाहे उतना पैसा दूंगा। जो मैं करती हूँ वो पाप ही है, लेकिन किसी दूसरी लड़की का श्राप मुझे नहीं चाहिए। पहली बार करने पर ही पाप होता है, दूसरी बार करो तो उसे धंधा कहते हैं। रुको, पहले भी तुमने कोर्ट में कहा था कि सुंदर नाम का आदमी तुम्हारा कस्टमर है, अब दूसरी बार कहने में क्या जाता है? वो सुंदर कभी कभी इधर जरूर आया करता था। झूठ मत बोलो, सुंदर ने तुम्हें देखा तक नहीं है। बोलो, सच बोलो, तुम सुंदर को जानती थी? कोर्ट में तुमने जो कहा वो झूठ है ना? बोलो, झूठ है ना? हाँ। किसी ने तुम पर पैसों का दबाव डलवाया था और तुमने ऐसी झूठी गवाही दी। उस झूठी गवाही के लिए तुम्हें जितने पैसे मिले थे उससे दुगना पैसा मैं तुम्हें दूंगा सच कहने के लिए। नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए मुझे। कोर्ट में आप जैसा बोलने को कहेंगे वैसा ही कहूंगी। जैसा मैं कहूं वैसा कुछ मत कहना, जो सच है सिर्फ वही कहना। क्या सुंदर तुम्हारा कस्टमर था? नहीं। एक बार भी सुंदर तुमसे मिलने आया था क्या? नहीं। सिर्फ यही कोर्ट में कहोगी? कोर्ट में सच बोलने के लिए
रानी तुरंत मान गई थी क्या? थोड़ी परेशानी हुई थी उसे मनाने में। चाहे कुछ भी हो, आखिर वो भी तो एक लड़की है ना, और लड़कियों का दिल हमेशा मोम का होता है। सर, मैंने शेखर भैया और भाभी से आपके बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें की थी, मुझे माफ कर दो। वो तो उसी दिन खत्म हो गया था, फिर दोबारा से माफी क्यों? उस दिन अपनी इच्छा के बिना माफी मांगी थी। और आज? आज अपने दिल से कहती हूँ माफ कर दो। ठीक है, माफ कर दिया। खुश? करती हूँ तुझसे प्यार,
ओ जाने जा। सर, खाना तैयार है सर। तुम जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। क्या सर, सपना देखा? मैंने कहा ना, तुम जाओ। यादें याद आती हैं, यादें याद आती हैं। अमन, यादें। गाना मत गाओ, मैं अभी आता हूँ। अब चलो। पूरा सुन तो लेते। How are you, Mr. Bali? क्या हुआ मिस्टर राजा? सारे गवाहों को जाल बिछाकर पकड़ लिया ना? एक एक को कितने लाख दिए होंगे? जब कुत्ते को हड्डी डालो तो पूंछ तो हिलाएगा ही। गवाहों को पैसे से खरीदा, ये आपसे किसने कहा? एक खूनी को बेकसूर साबित करना हो तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। शराब पीने के बाद ऐसी बेहूदी बातें मत करो। ऐसी बातें करूंगा? जो मरी वो मेरी भाई की नहीं और ना ही शहर के किसी आदमी की बीवी थी, बल्कि मेरी बीवी थी। मेरे लिए उसे बढ़कर कुछ नहीं है। जिस तरह से तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए अहम है, उसी तरह से सुंदर भी बहुतों के लिए अहम है। किसी भी मुजरिम को बेकसूर साबित करने का मौका मिलना ही चाहिए। बाली, लोग भले ही तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हारा इस तरह बात करना अच्छा नहीं। ए, रुक, रुक, सर, राजा सर, राजा सर, आपके रूम में कोई था सर? मिस्टर राजा, आप कंप्लेन लिख कर दीजिए। कंप्लेन की कोई जरूरत नहीं है सर। केस अच्छी तरह से ना चले, सुंदर रिहा ना हो, इसलिए ये सब कौन कर रहा है? मुझे लगता है आप ये सब समझ गए होंगे। यस, समझ गया मैं। राजा, क्या आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए? नहीं सर। ऐसा दोबारा हुआ तो मैं खुद ही देख लूंगा। लिस्ट? कैसी लिस्ट? कमलराज के खाने की लिस्ट है भैया। पढ़ के बता। एक मुर्ग मसल्लम, 3 चिकन रोस्ट, 3 मटन मसाला, पाव कढ़ाई मसाला, 3 चिकन बिरयानी, 5 मटन बिरयानी, 10 फ्राइड राइस, 5 पाया सूप, 10 ऑमलेट डबल, 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, इतना सब मिलाकर 640 रुपए 50 पैसे। अब ये 50 पैसे का क्या मतलब होता है, जरा बता। पता नहीं भैया। अबे तू एक आदमी के लिए इतना खाना लेकर आया, इससे तो उस होटल का पूरा खाना खत्म हो गया होगा। आप ही ने तो कहा था वो जो कुछ भी मांगे उसे ला कर दे देना। अभी कहाँ है वो? पीछे कुछ काम कर रहे हैं शायद। भगवान, आपने ऐसी क्या गलती कर दी जो उसे इतना बुरी तरह से मारा जा रहा है? पेट में मारने से ही इंसान आगे बढ़ता है। वो कैसे? अब आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ? अपने पेट पर मारो तो। अब आई ना समझ में? बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया शरीर बनाया हुआ है। तुम उस आदमी को ऐसे क्यों मार रहे थे? पीने के लिए नारियल मांगा था। तुझे नारियल देने से कोई फायदा नहीं है कहकर भाग गया, इसलिए उसे बात कर मार रहा हूँ। प्रैक्टिस। आह आह, नहीं, ये जो नारियल रखे हुए हैं सब आपके लिए ही तो है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आपके खाने का बिल 640 रुपया 50 पैसा हुआ, तो उसमें 50 पैसे का क्या मतलब है? 50 पैसे? मच्छर, बाप रे बाप। एक हाथ से पटका तो मेरा ये हालत, दो हाथ से पटकता तो अरे हे भगवान, कमर की हड्डी, अरे बाप रे, अरे अरे, कमर की हड्डी तो नहीं टूट गई? नहीं नहीं, अरे अरे, अरे बेटा सुन, तू ना मेरे त्रुप का इक्का है, जैसे ही ठीक समय आ जाएगा जोरदार एंट्री करवाऊंगा। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। क्यों सर, सुना है कि राजा केस की फाइल को जलाकर भाग गया है। उसने शायद खुद ही जलाकर आपको बुलाया। तो ऐसा भी कर सकता है भैया? हाँ भाई, ये क्या खादी वाले भी भाव खा रहे हैं। मिस्त्री लगा दियो। बिना स्त्री वाली जगह पर इसका ट्रांसफर करवाना।
डॉक्टर कृष्णकांत, विजयलक्ष्मी की बॉडी का पोस्टमार्टम आपने ही किया था ना? हाँ जी सर। और उसके रिपोर्ट के मुताबिक विजयलक्ष्मी का खून ही हुआ है, ऐसा आप मानते हैं? पोस्टमार्टम के लिए विजयलक्ष्मी की जो बॉडी आई थी वो पूरी तरह जल चुकी थी, इसलिए वो खून था या आत्महत्या मैं पक्का नहीं कह सकता। अगर गवाह और सबूत इसे खून बताए तो? तब तो ये खून हो सकता है। That's all, Your Honor. Mr. Raja, you can proceed. Nothing, Your Honor. अरे ये तो कुछ नहीं बोला। क्या कुछ नहीं बोला, कुछ बोल नहीं पाया। डॉक्टर से सवाल पूछ कर क्या जान जाएगा वो। ऐसे हंसो मत, यहाँ पर कोर्ट है। तो अब अगला गवाह। आपका नाम? रानी। क्या करती हैं? यहाँ बता नहीं सकती? प्रोस्टिट्यूशन की वजह से कोर्ट ने तुम्हें सजा दी थी, आप शायद इस सुंदर को जानती होंगी। जानती हूँ। क्या राजा, ये तो मुकर गई। अच्छा, तुम सुंदर को जानती हो, तुमने ऐसा कहा, कैसे जानती हो उसे? ये मेरे घर अक्सर आया करती थी। इसलिए That's all, Your Honor. ये चोट कैसे लगी, कहिए। बाथरूम में नहाते समय नीचे गिर गई थी। नीचे गिरने पर ऐसी चोट लगती है? हाँ जी। That's all, Your Honor. पैसों के लिए तुम जैसी औरतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह तो मैं जानता था। इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया, इसका सबक मुझे मिल गया। तुम कोर्ट में झूठ बोलोगी, ये बात मैं समझ क्यों नहीं पाया। और बाथरूम में गिरने का झूठ क्यों बोली तुम? अच्छे काम के लिए ही मैं कोर्ट में सच बोलने के लिए राजी हुई थी, उसी का इनाम है ये चोट। अगर मैं सच बोलती तो वो मुझे मार ही डालते। कौन है वो, बताओ। वो, हाँ बोलो। वो देखिए, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए मुझे जिंदा रहना है। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाओ प्लीज। मुसद्दी लाल यहाँ कब से रह रहे हैं? वो यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं। उनके घर में और कौन कौन है? वो और उनकी एक बेटी। गीता, गीता, बाबा हैं घर में? सो रहे हैं। बुलाओगी जरा? बुलाती हूँ। क्या चाहिए? ये हमारी वकील राजा। नमस्ते। हाँ पता है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और आप यहाँ क्यों आए ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सुंदर बेकसूर है यही ना, और मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है। कोर्ट में जाकर मुझे ऐसी ही गवाही देनी है, ठीक कहा ना मैंने? अगर मैं ऐसा कहूँगा तो आप लोग मुझे थोड़ा जमीन जायदाद भी दोगे और ढेर सारा रुपया भी दोगे ना, यही कहने आए हो? नहीं। तो फिर किस लिए आए हो? पिछली बार कोर्ट में आपने जो कुछ भी कहा था वही इस बार भी एक शब्द भी बिना बदले कहना है, नहीं समझे? दोबारा कहता हूँ, उस दिन सुंदर के खिलाफ जिस तरह से आपने गवाही दी थी उसी तरह से आप कोर्ट में फिर से गवाही देना। सर, ऐसा क्यों कहा आपने? और कैसे कहता, अगर हम उसके पैरों में भी गिरेंगे तब भी वो गवाही नहीं बदलेगा, वो वही दोबारा बोलेगा। अगर सच में उसने यही बोला तो? बोलने दो, जो उसने देखा उसे वही कहने दो।
मुसद्दीलाल, इसी सुंदर ने विजयलक्ष्मी का बलात्कार किया, ये आपने कैसे देखा? बलात्कार होते हुए आपने देखा या नहीं? बलात्कार किया था या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन विजयलक्ष्मी को सुंदर खींचकर पकड़ रहा था, ये मैंने दोनों आंखों से देखा था और बहुत अच्छी तरह से देखा था। आपने क्या देखा ये जरा आप खोलकर कोर्ट को बताएंगे? बताता हूँ। जिस दिन वो मरी थी उस रात को मैं पेशाब करने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आया था, लेकिन जैसे ही मैं पेशाब करके उठा तो मैंने अपनी आंखों से देखा। किस लिए ये सोचकर मैं चुपचाप सो गया और अगले दिन सुबह ही मुझे पता चला कि विजय लक्ष्मी मैम साहब आग से जलकर मर चुकी हैं। That's all, Your Honor. अब ये क्यों उठ गया? उसकी खोपड़ी में कील ठोकने के लिए। चुप कर। मिस्टर मुसद्दीलाल, आपके और सुंदर के बीच में कोई झगड़ा था क्या? मेरा? मैं उनसे क्यों झगड़ा करूंगा? ये बात। जितना पूछा उतना कहो, झगड़ा था या नहीं? नहीं तो? झूठ, सफेद झूठ। सुंदर के घर में 2 साल पहले आप वॉचमैन का काम करते थे, है ना? हाँ साहब जी। झगड़ा करने की वजह से उन्होंने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया था। उन्होंने अपने ही घर के कंपाउंड में तुम्हें घर बना कर दिया था। काम से निकालने के बाद तुमने घर ना छोड़ने के लिए कहा और कानून सिखाने लगे कि 12 साल से तुम उसी घर में रह रहे हो। इस वजह से सुंदर ने इनके ऊपर केस किया जो अब तक किसी अदालत में। योर ऑनर, डिफेंस की वकील बेमतलब की बातें कर रहे हैं। सुंदर ने मुसद्दीलाल पे जो केस किया था उसका इस केस से क्या मतलब? मिस्टर राजा, आप केवल इस केस से संबंधित सवाल ही कीजिए। केस से संबंध है योर ऑनर, आई विल कम टू द पॉइंट। यस, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। सुंदर को विजयलक्ष्मी के साथ बलात्कार करते हुए आपने अपनी आंखों से देखा था, सच है ना? क्या सर, अब मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैंने देखा था कि सुंदर ने विजय लक्ष्मी का बलात्कार किया, ये मैंने अपने दोनों आंखों से देखा है। थोड़ी देर बाद अपने इस बयान से मुकर तो नहीं जाओगे? क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। ये कोर्ट है, मर्यादा में रहोगे तो अच्छा है। वो जैसे क्या पूछ रहा है? उधार मांग रहा है। चुप कर। You can proceed, Mr. Raja. Thank you, Your Honor. वहाँ कौन खड़ा है, दिख रहा है तुम्हें? ये क्यों पूछ रहे हो? दिख रहा है या नहीं? प्यारी बेटी मीना है। तुम्हारे घर से सुंदर का घर कितनी दूरी पर होगा? ज्यादा दूर नहीं, आवाज से बुला सकते हो। इसका मतलब 300 मीटर होगा। ये सब मीटर वीटर मैं नहीं जानता हूँ। हाथ तो जानते हो ना? योर ऑनर, हाथ का मतलब मार नहीं, फीट से है सर। कितने हाथ होगा? हाथ से तो मैंने कभी नहीं नापा सर, अगर अंदाजे से बताऊं तो कोर्ट के दरवाजे से यहां तक तो होगा ही। तकरीबन 500 फीट है योर ऑनर। दिन दहाड़े आपको अपनी लड़की को इतने पास से देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या आप बताएंगे कि इससे कई गुना दूरी पर सुंदर के घर में, वो भी रात में, चश्मा लगाए बिना सुंदर का विजय लक्ष्मी पर बलात्कार करना आपने कैसे देखा होगा?
Shut up. मिस्टर मुसद्दीलाल, ये कोर्ट है, याद रखिए। ये सब यहाँ नहीं चाहिए। जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। सुंदर को बलात्कार करते आपने देखा था क्या? वो एक परछाई जैसी देखी थी, और सुंदर साहब को तो कई बुरी आदतें भी हैं। ऐसा कुछ हुआ होगा ऐसा मैंने सोचा था। पर अभी तो आपने कहा कि आपने अपनी आंखों से देखा है? इसका मतलब जो आपने कहा वो झूठ था, ऐसा ही है ना? आपके और सुंदर के बीच की दुश्मनी का फायदा उठाकर आपसे झूठ बुलवाया। योर ऑनर, मिस्टर राजा फालतू के सवाल करके मेरे गवाह को डरा रहे हैं। फालतू के सवाल नहीं पूछूं तो क्या मैं इनकी वीरता के बारे में सवाल पूछूं? ठीक से जवाब देने की जगह घूर घूर कर अब देख रहे हैं। ये बात झूठी गवाही देने से पहले सोची होती। अगर इस तरह से पूछा जाए तो इस तरह का जवाब देना चाहिए। जबकि ये कह रहे हैं कि मैं गवाहों को डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, जबकि इसका कोई फायदा नहीं। मिस्टर चंद्रन, दैट्स ऑल योर ऑनर। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। वेल डन मिस्टर राजा, उस मुसद्दी लाल को तो हिला के रख दिया था। मिस्टर राजा, मुझे अब इसकी कोई उम्मीद नहीं लगती कि मैं रिहा हो पाऊंगा। मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, अभी तो बहुत सारे गवाह हमारे खिलाफ हैं, खासकर वो लेटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोसिक्यूटर। सुंदर, टाइम हो गया। उस भेंगे की तो बत्ती बुझा दी तुमने, अब दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा, देख लेना। अब जाकर भरोसा हुआ मुझे। अमन, शेखर, क्या बात है, कोई दिखाई नहीं दे रहा? शेखर, कहाँ चले गए सब? शेखर, अमन, शेखर, अरे क्या हुआ, किसने किया ये सब? Yeah.
हेमा विजय लक्ष्मी के कमरे को एक बार देखना है, तुम मेरे साथ आओ। क्या पता किसके दिल में क्या है कौन जानता है, कोर्ट जा रहे थे अचानक इधर चल कहकर यहाँ बुला लाया। क्यों बेटा, वो रानी कोर्ट में आकर सच बोली क्या? तुमने तो कहा था सच बोलेगी। हाँ नहीं बोली होगी, बोली ही नहीं होगी। हमारी हेमा के मुंह में 1 किलो चीनी डालनी चाहिए। उसने उसी दिन कहा था कि इस राजा का विश्वास मत करो। कि ने 100 रुपए दो और काशी हरिद्वार जो बस जाती ना उसमें बिठा दो, इसी बहाने गंगा में डुबा के आओ। हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसे मजाक ही करते रहो। हेमा, इसमें तो विजयलक्ष्मी के हाथ का लिखा कुछ भी नहीं है, उनकी राइटिंग में लिखा कुछ और है क्या? शायद यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन क्यों? ये पता चल जाता कि कोर्ट में जो चिट्ठी है उसमें विजयलक्ष्मी के हाथ की ही राइटिंग है कि नहीं। राजा यहाँ कर क्या ढूंढ रहा है? लक्ष्मी भाभी की हैंडराइटिंग में कुछ पेपरों को ढूंढ रहे हैं। वो सब मैंने यहाँ खूब ढूंढ लिया पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये क्या है? प्यारी बेटी विजी को माँ की तरफ से लिख रही मैं यहाँ। हाँ जी, ये कोई इंदिरा गांधी को जेल में भेजा गया लेटर है क्या? माँ ने बेटी को लिखा है, इसे अपनी जेब में रख दिया है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, अगर आती तो आज इस पोजीशन में नहीं होते। क्या फिर ये सब कौन है? जेम्स, नटराजन, स्वामी वगैरह, इन्होंने विजयलक्ष्मी को ग्रीटिंग्स भेजे हुए हैं। शायद भाभी के कजिन्स या फ्रेंड्स की ग्रीटिंग होंगे। हाँ, कजिन्स कहने से याद आया, विजयलक्ष्मी के मरने से पहले उसके लिए एक फोन आया था। मैंने कहा वो घर पर नहीं है, नाम पूछने पर उसने तुरंत ही फोन कट कर दिया। उसी दिन या उसके पहले? हाँ एक दिन पहले। ये कल्याण सिंह आदमी कैसा है? अपने सुंदर भैया का पार्टनर और अच्छा दोस्त है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? एक पार्टनर ना रहे तो दूसरे पार्टनर को ही फायदा होता है ना? तू कहना क्या चाहता है राजा? कुछ नहीं, छोड़ दे। मुझे बहुत जल्दी पागलपन के दौरे पड़ने लगेंगे। क्या दादी, कोर्ट में नहीं आ रही आप? ये क्या है, मुझे देखकर दादी कहकर जा रहा है? मैं दिखने में दादी लगती हूँ क्या? समझता अपने आप को वो? मेरे जीवन की एक ही ख्वाहिश है। क्या है? आप किसी बड़े केस में फंस जाओ और उसमें मैं आपके लिए फ्री में लड़कर किसी भी तरह आपको फांसी की सजा दिलवाऊं। चलता हूँ। अरे तू कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। हे भगवान, कोर्ट जा रहा है, उसकी रक्षा करना। फूल गाँव, तारीख 25/99। आदरणीय माँ को विजी का प्रणाम। मेरी दिमागी तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं आपका जवाब तुरंत ना दे पाई। यहाँ मेरे पति के भाई सुंदर मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, अब इस घर में मेरे लिए एक पल भी रहना मुश्किल हो गया है, पर उसकी चिंता तुम मत करो। ठीक समय आने पर मैं अपने पति से ये सब कहकर संभाल लूंगी। ये बात का पता सिद्धू भैया को नहीं चलना चाहिए, फालतू की परेशानी हो सकती है। क्या ये लेटर विजयलक्ष्मी ने लिखा है? हाँ जी। और इसमें हुआ सिग्नेचर आपकी बेटी विजयलक्ष्मी का ही है? आपको इस पर पूरा यकीन है? पूरा यकीन है, मैं उसकी माँ हूँ, सिग्नेचर कैसे भूल जाऊँ? वेल, इस लेटर से पता चलता है सुंदर विजयलक्ष्मी के ऊपर गलत नजर रखता था और उसे छेड़ता भी था। गलत इरादे वाले सुंदर ने मौका मिलते ही विजयलक्ष्मी को दबोचा और बलात्कार किया। दोनों के बीच हुए खींचातानी में विजयलक्ष्मी का उसने खून कर दिया। ये बात किसी को मालूम ना चल जाए इसके लिए सुंदर ने विजयलक्ष्मी के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और माचिस की तीली से तुरंत जला डाला। खून को आत्महत्या में बदलने के लिए उसने ऐसा जघन्य अपराध किया योर ऑनर। ये खून सुंदर ने ही किया है, इस बात को साबित करने के लिए इससे बड़ा कोई और सबूत नहीं हो सकता मिलॉर्ड। मिस्टर राजा, वो चिट्ठी देना जरा। इसे देखिए आप, इस चिट्ठी को आपने ही लिखा है ना? हाँ जी। थोड़ा पढ़ेंगे इसे? हाँ जी। पढ़िए। मोती नगर, 10/10/1999। 10/10/1999 जी। आगे पढ़िए। मोती नगर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी अच्छी होंगी। सिद्धू के लिए रामपुर की लड़की ही ठीक रहेगी। और रुकिए रुकिए, अब वो लास्ट पैरा पढ़िए तो जरा। अपने पति के हालचाल बताना, बड़े दामाद सुंदर और उसकी पत्नी को मैं हरदम याद करती रहती हूँ। तुम्हारी प्यारी माँ जानकी। ये आप ही ने लिखा था ना? 10/10/99 को। हाँ। यह आपकी बेटी विजयलक्ष्मी का लिखा खत है ना? हाँ। उसमें क्या तारीख है? 25/9/1999। इसका मतलब दोनों खतों के बीच 15 दिन का अंतर है। आपकी लड़की की चिट्ठी आने के बाद ही आपने ये चिट्ठी उसे लिखी थी, जो कि आपने 10/10/99 को लिखी। हाँ जी सर।
मतलब आपकी लड़की ने आपको खत लिखा कि सुंदर ने उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की, उसके बाद आपने उसे जवाबी खत लिखा? वो मैं क्यों क्यों अटक क्यों रही आप? कोई भी माँ अपनी बेटी के ऊपर गलत नजर डालने वाले इंसान के बारे में इस तरह का खत लिखेगी क्या? हो सकता है लेटर लिखते समय 10999 की जगह मैंने 10 10 99 लिख दिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी बेटी को 25999 से पहले 10 9 1999 को पत्र लिखा, यही ना? जज साहब, इसलिए मैंने बड़े दामाद के बारे में भी पूछा है। किसी भी झूठ को घुमा फिरा कर कहो तो वो सच नहीं हो सकता है योर ऑनर। विजय लक्ष्मी ने 25999 को लिखे अपने खत में सुंदर ने उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की लिखा था, और 10 10 99 को जानकी देवी ने जवाबी खत लिखा था जिसमें तारीख के बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, और इस खत को जानकी देवी ने ही लिखा है योर ऑनर, यह भी साबित हो चुका है। और वो जो विजय लक्ष्मी का लिखा हुआ खत है उससे झूठा खत माना जाना चाहिए। खून को आत्महत्या बनते हमने कई बार सुना है, लेकिन आत्महत्या को हत्या की शक्ल देना आज पहली बार देख रहा हूं योर ऑनर। मुलजिम सुंदर के खिलाफ प्रोसिक्यूटर की तरफ से लाए गए सारे सबूत और गवाह झूठे हैं, यह साबित हो चुका है। इसीलिए विजय लक्ष्मी का मरना 100% आत्महत्या। तो फिर रानी की गवाही? वो एक प्रोसिक्यूट है, पैसों के लिए जो खुद को बेचती हो उसकी गवाही का मानना जरूरी नहीं है। समुदाय में अच्छी पोस्ट पर रहने वाले सुंदर को गिराने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए यह सब तैयार किया था, और उन लोगों ने ही आत्महत्या को हत्या का रूप दिया। योर ऑनर, द डिमोरलाइज पॉलिटिक्स एंड इट्स इरेस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग हैज स्प्लाइड हिज हार्मनी ऑफ द नॉर्मल लाइफ एंड दिस विंचर द ओनली रिलीफ टू द पब्लिक विद द कोर्ट विच इज सी ऑफ द सुप्रीम जस्टिस। द कोर्ट इज ओनली रिफ्यूज ऑफ द कॉमन पीपल बट द पीपल नॉट लिव देयर होपिंग दैट टू। कानून एक दीपक है जिसकी बत्ती एक वकील बनाता है, यह मैं नहीं कहता, किसी विद्वान नहीं कहा। उस कानून रूपी दीपक में वकील के द्वारा जलाई गई बाती से हुए उजाले में न्याय करने की मांग मैं यहाँ के विद्वान न्यायमूर्ति से करता हूँ, और साथ ही मैं ये गुजारिश भी करता हूँ योर ऑनर कि इस मासूम इंसान को जो कि बेकसूर है इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, फीस लेने वाले वकील अपने मुवक्किल को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ये मिस्टर राजा के बात से जाहिर है। दूसरों को झूठा साबित करने से सच बदल नहीं जाता। ना जाने क्यों सारे सरकारी गवाहों को झूठा साबित किया गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर राजा समझते क्यों नहीं प्रोस्टिट्यूट रानी सच बोल सकती है। मिस्टर चंद्रन, रानी ने जो कहा वो झूठ था। रानी सुंदर को जानती भी नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं ऐसे आरोप यहाँ कोर्ट में मौजूद किसी भी आदमी पर लगा सकता हूँ। इफ यू वांट टू वेरीफाई मिस्टर चंद्रन, अगर आप हाँ कहें तो मैं आपको भी यहीं पर आरोपी साबित कर सकता हूँ। काम डन मिस्टर राजा, लेट हिम फिनिश हिज आर्गुमेंट। You can proceed, Mr. Chandran. मुसद्दी लाल की आंखें ठीक नहीं होगी, लेकिन विजय लक्ष्मी के बाहों को पीछे से पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की है जिसे मुसद्दी लाल ने देखा, और उस घर में सुंदर के अलावा और कौन सा आदमी होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सारे गवाहों पर अगर नजर डाला जाए तो वो सुंदर ही था, ये बातें साबित होती है। Your Honor, Mr. राजा, you will get your chance. जानकी देवी से तारीख बताने की जो गलती हुई वो किसी से भी हो सकती है। इट्स कॉमन, इवन इट मे हैपन टू यू लॉर्डशिप। एक लड़की प्यार करने के बाद शादी करके खुशी खुशी अपने घर चले जाती है, वो आत्महत्या क्यों करेगी भला? मिलॉर्ड, इसके लिए ये लोग अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दे सकते, और इससे सुंदर ने ही ये खून किया है ये बात साबित होती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर राजा, अब ये सारे सबूत और गवाह सरकार और मुलजिम दोनों के लिए ही बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। विजय लक्ष्मी का मरना आत्महत्या नहीं खून है, सरकार की तरफ से पेश किए गए गवाह और सबूत इनके आधार पर फैसला नहीं हो सकता है। ये केस काफी पेचीदा है, इतनी जल्दी निर्णय नहीं हो सकता है, और आपके मुताबिक भी इस आत्महत्या का कोई न कोई बड़ा कारण तो रहा ही होगा, है ना? Yes, Your Honor. मिस्टर राजा, आपके पास कोई ठोस कारण है? अब तक तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। श्योर, Time is granted. Thank you, Your Honor. Hmm?
इस विजय लक्ष्मी की आत्महत्या के कारण को कैसे पता लगा जाए यार? यही तो समझ में नहीं आ रहा। ये क्या, अब तक तुझे समझ में ही नहीं आया कि वो कैसे पता लगाएंगे? पता लगाने का टाइम लिया है, अब पता तो लगाना ही पड़ेगा। अरे तो पता लगाना। इस केस के खत्म होने से पहले मेरे सर के बाल गिर जाएंगे। पता नहीं कौन जान सकता ये बात। मिस्टर राजा, कोर्ट से निकलकर मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप नहीं मिले। कोर्ट में उस खत को विजयलक्ष्मी ने नहीं लिखा ये साबित होने तक मैं अपने भैया के बारे में गलत सोचता था। मुझे माफ कर दीजिए। माफी देने वाले तो अभी तक जेल में ही पड़े हैं। तुम्हारे और मेरे मानने से कुछ भी नहीं होता, कोर्ट को विश्वास दिलाना पड़ेगा। सर, वो लेटर मेरी बीवी ने लिखा था, कोर्ट में मैं गवाही दूंगा। हाँ दे तो सकते हो, लेकिन एक भाई के पक्ष में ही दूसरा भाई गवाही दे तो कौन विश्वास करेगा? मिस्टर बाली जी, मैं जो भी सवाल करूं उसका जवाब देंगे आप? पूछिए सर। विजय लक्ष्मी ने आत्महत्या की, इस पर आप विश्वास करते हैं? हाँ करता हूँ। कारण? वो पता नहीं सर। आपने विजय लक्ष्मी के साथ प्यार करने के बाद शादी की थी क्या? जी हाँ। एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी क्या? नहीं। फिर आपकी शादी? जिस बैंक में मेरा अकाउंट था उसी बैंक में वो कैशियर थी, मैं उसे वहीं मिला था, उसके बाद उसे प्यार हो गया। हमारे परिवार के लिए ठीक लड़की, ऐसा भैया ने कहा था। सबसे बातचीत करके मैंने शादी कर ली। मिस्टर बाली, क्या मैं आपसे कुछ और पूछ सकता हूँ? प्लीज। आपका उनसे मिलने से पहले उनका और कोई, उनका किसी और के साथ कुछ रिश्ता या? ऐसा कुछ नहीं था सर। आपकी वाइफ कौन से बैंक में काम करती है? इंडियन बैंक। शेखर, विजय लक्ष्मी ना, वही जिसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी? हाँ सर। मैंने सुना है वो हमारे ही ब्रांच में काम करती थी, लेकिन मैं तो 6 महीने से हूँ। यहाँ कोई नटराज नाम का आदमी काम करता था? नटराज ना, इस नाम का कोई आदमी नहीं था। सर हो सकता है कि आपके यहाँ आने से पहले कोई नटराज नाम का आदमी यहाँ? मेरे आने से पहले की घटना के बारे में उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँ? हाँ सही बात है, कैसे पता चलेगा उनके आने के बाद की घटना नहीं पता है, तू पहले की पूछ रहा है यार। आपस में बात करनी है ना, बाहर कीजिए। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मुझसे अगर सही सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने कहा था ना फालतू के सवाल मत कर, समझता ही नहीं है। हाँ सर, वैसे आपके स्टाफ से कुछ बात कर सकते हैं? कर सकते हो। थैंक यू, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है, 5 बजे के बाद। क्यों, अभी काम कर रहे होंगे क्या? वहाँ जाकर देखोगे तो पता चल जाएगा। हाँ देखा था ना, चाय पीते दिखाई दे रहे। चाय? चाय क्या बात करता है, ये भी कोई चाय पीने का टाइम है? हा? मुझे लगता है ये शायद मिलिट्री में काम करता है। हाँ जी, मैं मिलिट्री में था। और कुछ? कुछ नहीं सर, बस हमें ठाए 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 करके मार मत देना। हाँ प्लीज। अरे राजा, क्यों सर, 25 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझसे पूछे बिना आफ्टर ऑल 6 महीने पहले आए हुए एक मैनेजर से? ऐसा क्या आप पूछ रहे थे और वो क्या आपको बताएगा है? अभी आप क्या कर रहे थे, ठोक रहे थे ना? वहाँ आकर हमारे साथ ठोकोगे अच्छी तरह? सर अभी चाय लेके आया। मैंने तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब नोट भी दे दीजिए सर। क्यों, ऐसा क्या बता दिया तूने? विजय लक्ष्मी यहाँ इस ऑफिस में काम करती थी ये बताया, उसके बाद किसी पैसे वाले से शादी करके यहाँ से चली गई, ये सब तो हम भी जानते हैं, इसमें नोट वाली कौन सी बात है बे? सर मैंने विजय लक्ष्मी के बारे में आपको सारी बातें बता दी है, नोट दे दीजिए सर। हाँ ये देख भाई, यहाँ नटराज नाम का आदमी काम करता था ये तो बताया, लेकिन उस नटराज के बारे में तूने खुलकर कुछ नहीं बताया यार। नटराज के बारे में अब क्या बताऊँ, वो नौकरी छोड़कर चला गया ना। लेकिन दुनिया छोड़कर नहीं गया ना, अभी जिंदा है ना। वही ना, लगता है तुझे मार के पूछना पड़ेगा। हा? क्यों बे, मरी हुई औरत के बारे में पूछो तो कहता है क्यों पूछ रहे हो, अब जो जिंदा उसके बारे में पूछो तो कहता है उसने नौकरी छोड़ दी है। हमसे मजाक कर रहा है, तू नहीं सुधरने वाला। मैं तो इसे 200 रुपए देने की सोच रहा था पर अब ये मना कर रहा है तो जाने दो। बताता हूँ ना। बताएगा ना, अब ध्यान से सुन। विजय लक्ष्मी का नटराज के साथ कैसा रिश्ता था, ऐसा था क्या? विजय लक्ष्मी और नटराज ऑफिस में रहते समय मौका देखते ही एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते थे, लंच में भी एक साथ ही खाया करते थे। उसका अगर मतलब निकालें तो उसका मतलब
इलू इलू है। ऐसा था क्या? लंच में एक साथ खाना खाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन क्या साथ बैठकर एक ही प्लेट में खाना खाया करते थे? क्या सर, वो दोनों एक साथ मिलकर पिक्चर देखने जाते थे तो प्लेट क्या चीज है। राजा मुझे बचाया। तो फिर उसने नटराज से शादी क्यों नहीं की? 300 रुपए। वेट प्लीज, यू कम। ये जल्दी एमएलए बन जाएगा। कुछ भी पूछ लीजिए सर। उस विजय लक्ष्मी से नटराज ने शादी क्यों नहीं की? नटराज एक बदकिस्मत इंसान था सर, उसे जो भी मिले वो कम था। पीने और रेस में सारे पैसे खर्च कर देता था। लेकिन विजय लक्ष्मी दिमाग वाली थी, नटराज से अच्छा पैसे वाला बाली के मिलते ही अपना दिल बदल लिया। नटराज ने उसके बाद क्या किया? बेईमान निकला सर। सभी ज्यादा क्यों सर, जिस बैंक में काम कर रहा था उसमें डाका डाला, जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। तुरंत बड़े ऑफिस जाकर ना जाने किस किस के हाथ पैर जोड़कर बिल्कुल ठीक समय पर पैसे वापस कर दिए सर, इसीलिए उसे नौकरी से निकाल दिया। अभी वो कहाँ मिलेगा? वो गोविंद नगर में अकेला ही रहता था वो, अभी भी उसे वहीं रहना चाहिए और इसे यहाँ रहना चाहिए। गोविंद, गोविंद नगर। नटराज, नटराज, हाँ जी मिस्टर नटराज। कौन है भाई? I'm एडवोकेट शेखर। किससे मिलना है? आपसे ही मिलना है, वो भी मुझे नहीं मिलना, बाहर आपके बहुत सारे जान पहचान वाले आए हुए, उन्हें आपसे मिलना है। वो मुझे कैसे जानते हैं? अरे हाँ कैसे जानते हैं, ये तो आप उन्हीं से पूछ लो। कौन है आप, मुझे कैसे जानते हैं? मरने से पहले विजय लक्ष्मी ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया था। विजय लक्ष्मी ने? कौन से विजय लक्ष्मी? भगवान, 500 रुपए गए पानी में, ये विजय लक्ष्मी को नहीं जानता। हाँ जी, नाटक मत कीजिए मिस्टर नटराज, इतनी जल्दी आप अपनी मोहब्बत को भूल गए? बैंक में आप दोनों एक साथ काम करते थे ये भी भूल गए? ये मैंने ये पूछ रहे हैं। हाँ कहिए। आप कौन होते हैं इससे पूछने वाले, दूसरे के घर में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बाहर जाइए, ऐसे गेट आउट। राजा गुस्सा नहीं भाई, थोड़ी शांति रखो। ये तुमने ही तो विजय लक्ष्मी को दिया था ना? हाँ हाँ, 500 रुपए वसूल हो गए। तुम्हारा विजय लक्ष्मी से बहुत करीबी रिश्ता था ना? ये क्या कह रहे हैं आप, She was my coworker. वो मेरी बहन की तरह थी। अरे रे 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 रे, ये तो बहन मानता था, फिर बहन को ये सब लिखा जाता है क्या? This sweet love, नटराज, हाँ? और इस दिल के बारे में क्या कहना है? बहन के दिल में छेद, हाँ? क्या बात है, बहन के दिल के बीचों बीच छेद किया था? मुझे एक छोटा सा शक है, लंच टाइम में तुम दोनों एक साथ बैठकर एक ही प्लेट में खाना खाकर एक ही साथ पानी पीकर सिनेमा हॉल में चिपक चिपक कर बैठते थे, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से भाई बहन ऐसे नहीं करते ना? ये सब आपसे किसने कहा? इतना ही नहीं बेटा, बल्कि तेरी कुंडली भी हम जानते हैं। तुमने ही विजय लक्ष्मी के मरने से 2 दिन पहले कजन कहके उसे फोन किया था। मैं क्यों फोन करने लगा? के केस से बचने के लिए। बैंक में तुमने चोरी की, उसका पैसा अपनी मोहब्बत से भरवाने के लिए तुमने उसे फोन किया था। बोल अभी बताता है या नहीं? अब जल्दी बता दो भैया, इसकी मार से तो मुझे भी डर लगता है, बहुत जिद्दी है ये। अब बता किसने फोन किया था? बताता हूँ, उससे मिलने के लिए उसे फोन किया था। जब पहली बार किया तो सुंदर की बीवी ने फोन उठाया, दोबारा फोन किया तो विजय ने उठाया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे अर्जेंट मिलना चाहता हूँ, तो पहले वो नहीं मानी, फिर मैंने उसे धमकी दी तो आखिर में वो मान गई, घर का पिछला दरवाजा खुला रखूंगी ऐसा कहा था। अच्छी लग रही है शराब, तुम्हारा आदमी पीता है? यहाँ कोई आ जाएगा, आप यहाँ से चले जाइए। पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। हे भगवान, लगता है वो लोग आ गए।
घटित नहीं हुआ था। उस दिन बाली ने तुम्हें वहां देखा था क्या? नहीं सर। तू ही उस दिन विजय लक्ष्मी से पैसे मांगने आया था ना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए, ये सब क्या कर रहे थे? क्या हो गया आपको? उस दिन बीजी के कमरे में भैया गए थे, ऐसा मैंने गलत सोच लिया था। क्या कहा? भैया के बारे में सोचे थे? उस दिन और क्या हुआ था? उस दिन मैं शादी में गया था, वहां पार्टी में ड्रिंक्स खत्म हो गई थी तो घर में बोतल लेने आया था। ए मनी, उठना। मनी उठना। ए अभी तक सोई नहीं? अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई। तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा? बस इसे देकर वापस आ जाऊंगा। ओके, कब से पीने लगी हो तुम? क्या मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? फिर किसने पिया इसे? यहाँ वो। और वो सिगरेट? यहाँ कौन आया था? यहाँ कोई भी नहीं आया। नहीं, नहीं आया? आधा जूठा गिलास रखा है, सिगरेट है और कोई नहीं आया, ऐसा बोल रही हो? बोल, कौन आया था? बोल, कौन आया था? बोल, कौन आया था? बोल। सिद्धू, सिद्धू आया था, मेरा भाई। सिद्धू आया था? वो यहाँ क्यों आया? उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, बहुत दिनों से मुझसे मांग रहा था। मैं तो उसे मना करते हुए आ रही थी, लेकिन कल बहुत ज्यादा जरूरत थी तो वो मुझसे लेने आया था। वो अंदर कैसे आया? मैंने पीछे का दरवाजा खोल दिया था, वो जग ना जाए इसीलिए उसने खिड़की से आवाज दी थी, बाहर सो रहा है। उसे पैसे दिए क्या? मैंने नहीं दिए, आपसे पूछे बिना मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? तुम सच बोल रही हो ना? हाँ जी। मैं आज ही गांव जाऊंगा और सिद्धू से मिलूंगा, अगर झूठ निकला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बीजी जलकर मर गई, ये बात मुझे अपने दोस्तों के घर पता चली, तब सिद्धू से गांव जाकर मिलना मुझे बेकार लगा। बीजी ने उसकी माँ को लिखे खत के बारे में सुनकर उस दिन बीजी के कमरे में मेरे भैया गए होंगे ऐसा शक हुआ था मुझे, लेकिन मैं गलत था। और जैसे ही पता चला कि उस दिन नटराज आया था तो मुझे और बीजी को जो अपनी औलाद मानते थे ऐसे भाई पर शक करके मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। योर ऑनर, सुंदर को बेकसूर साबित करने के लिए अब तक के सारे सबूत और गवाह काफी हैं। विजयलक्ष्मी का खत और मुसद्दी लाल की गवाही दोनों गलत थे, ये साबित हो चुका है। नटराज के आने को छुपाकर सिद्धू ही आया था, विजयलक्ष्मी का यह कहना भी गलत था। बाली का सिद्धू से मिलकर सच का पता चल जाने के डर से विजयलक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली होगी, ये कोर्ट में बैठे विद्वान न्यायाधीश को भी पता चल गया होगा। लेकिन इसी सूत्र से जुड़े कुछ बातों के आधार पर कोर्ट के सामने मैं एक नई सच्चाई लाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ योर ऑनर। यस प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। अभी कुछ गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूँ। कौन है वो? अभी कहाँ है? पुलिस की सहायता से उसे कोर्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, आप उसे ले आइए। सबसे पहले मिस्टर मनी, सुंदर के घर का नौकर। हेलो।
यस मनी, जिस रात को ये घटना घटी थी उस दिन क्या हुआ था जरा खुलकर बताओ। क्या खुलकर बताऊं साहब? उस रात को बालिका आना, तुमसे चाबी का लेना और उनका वापस जाना, ये सब। क्या उस रात छोटे मालिक भी आए थे? ये सब मैं नहीं जानता। ओके, सुंदर कब आए थे ये तो पता है ना? हाँ पता है। सुंदर के आने के बाद क्या हुआ था? मुझे हिलाकर उठाया और कहा कि कुछ जलने की बदबू आ रही है। मैंने चाबी लेकर दरवाजा खोला। रुको, कहाँ से चाबी ली थी? यहाँ से, अपनी कमर से। योर ऑनर, घर से बाहर जाते समय चाबी को उसी दरवाजे पर छोड़कर गई है, अभी बाली ने कहा था। बाली के जाने के बाद ही सुंदर आए थे। हाँ हो सकता है। बाली ने जिस चाबी को दरवाजे पर ही छोड़ा था वो चाबी तुम्हारी कमर में कैसे आई? वो दरअसल वो उड़कर तुम्हारी कमर में आ गई थी क्या? हो सकता है, बाली मालिक ही मेरी कमर में वापस रख गए होंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर ऐसा हुआ था तो उन्होंने झूठ क्यों बोला कि चाबी दरवाजे पर थी? तू ही झूठ बोल रहा है। बाली के जाने के बाद और सुंदर के आने से पहले इसी बीच के समय में विजयलक्ष्मी मरी थी। बाली और विजयलक्ष्मी के बीच की बातों को तो छुप कर सुन रहा था, तो बहुत दिनों से विजयलक्ष्मी पर निगरानी रखे हुए था। बाली के जाने के बाद विजयलक्ष्मी को अकेला पाकर तुमने उसके साथ बलात्कार किया। साहब, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ साहब, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। हे भगवान। मनी, बात छुपाने की कोशिश मत करो। और उसी जोर जबरदस्ती में विजयलक्ष्मी मर गई। विजय के कमरे में किसी का आकर जाना और बाली का आकर जाना ये बात तुम जानते थे, और इल्जाम किसी और पर लगे इसलिए उसे जलाकर तुम मासूम बनकर नीचे जाकर सो गए। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई छोटा जानवर भी मारने की हिम्मत ना रखने वाला मैं कैसे अपनी छोटी मालकिन का खून कर सकता हूँ? तूने ही खून किया है, इसका आंखों देखा गवाह है मेरे पास। मैंने खून किया, इसका कोई गवाह है? हाँ मनी, गवाह है। योर ऑनर, मनी के चाचा का लड़का नटराज ही इस बात का गवाह है। उसने ही मनी को अपनी आंखों से खून करते हुए देखा है। यह बयान उसने पुलिस को दिया है। उसे यहाँ लाने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। यस मिस्टर राजा, प्रोसीड। नमक हराम नटराज ने ऐसा कहा? हे भगवान, उस कमबख्त ने कहानी बदल दी। ए नटराज, तूने मुझे खूनी कहा? तेरी गलती पर पर्दा डाला था मैंने, मैं ही गलत था। औलाद की तरह पालने वाले मालिक के साथ विश्वासघात किया मैंने। तेरे खून से ही मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। मनी, आप इस बाहर मत होइए, ये कोर्ट है, इसलिए जो जरूरी है वही बताइए। बताता हूँ साहब, सारी सच्चाई बताता हूँ। इसका मुझे खूनी कहना झूठ है, लेकिन ये छोटे मालकिन के कमरे में गया था ये सच है। वहाँ जब छोटी मालकिन से पैसे मांग रहा था तभी वहाँ बाली साहब आ गए। ये तुमने अपनी आंखों से देखा था? नहीं, ये सब इसने मुझसे कहा था। आगे बोलो। बाली साहब के अचानक आ जाने से ये कहीं घर में ही छुपा हुआ था, और उनके बाहर जाते ही वो वापस छोटी मालकिन के कमरे में चला गया। क्या तुम अभी तक गए नहीं? बिना पैसे के कैसे जाऊं? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तुम्हें इतनी बार तो मना कर चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ? कहानी तो बहुत अच्छी है। मुझसे भी ज्यादा पैसे वाले घर का लड़का क्या मिला, मुझसे पीछा छुड़ाकर उससे शादी कर ली, और बोलती हो कि मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ। हाँ, तुम्हें अपने ससुराल से जो इतनी सारी दौलत मिली है उसमें हिस्सा लिए बिना मैं नहीं जाऊँगा, इसीलिए अच्छी बच्ची की तरह मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे प्यार से दे दो बस। मैं नहीं दे सकती हूँ। नहीं दे सकती? देख, ये सब तेरे लिखे मोहब्बत के खत हैं। एक पत्नी अपने आशिक को जो मोहब्बत के खत लिखती है वो अगर उसका पति पढ़े तो उसे कितनी खुशी होगी, मालूम है ना? तुम्हें नहीं देना है तो मत दो। इन प्यार के खतों का तुम्हारा पति का मोल लगाएगा, मैं जानता हूँ, इसीलिए जो मुझे चाहिए मैं उसी से मांग लूंगा। रुकिए। चलो अब वो खत मुझे दो। विजी, रुको, ये क्या कर रही है? नहीं, इधर लाओ उसे। छोड़ मुझे, छोड़ो, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, छोड़ दो मुझे, छोड़, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो।
छोड़ बंदूक। मालकिन, छोटी मालकिन, नटराज भैया, हे भगवान, हे भगवान, दरवाजे पर धक्का देने की वजह से छोटी मालकिन की मौत हो गई। नटराज ने सारी गलती मेरे सामने कबूल कर ली। वो मेरा हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, तब उसे बचाने की कोशिश की। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। नटराज ने बैंक से चोरी किए पैसे को वापस लेने के लिए छोटी मालकिन के शरीर से गहने उतार लिए। छोटी मालकिन की बॉडी को अगर जला दिया तो वो खुदकुशी मानी जाएगी, इसलिए हम दोनों ने उनके शरीर को जला देने का फैसला किया। सब कुछ खत्म हो गया था, शरीर जल रहा था। नटराज जहां से आया था वहीं चला गया। मैं वापस नीचे आकर चाबी पहले की तरह लगाकर सो गया। उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया था। खुद को पालने वाले अपने चाचा को याद किया था, इसलिए उस समय मैंने उनके लड़के को बचाना जरूरी समझा। नटराज ने अपने आप को बचाने के लिए सब किया, मेरी बात शायद कोई नहीं सुनता, इसलिए सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। मनी, जब तुम्हारे बेकसूर मालिक इस केस में फंसे थे तब तुमने सच क्यों नहीं कहा? मैंने सब कुछ सच कहने के लिए नटराज से पूछा तो उसने कहा कि उसका साथ देने के जुर्म में मुझे भी फांसी हो जाएगी, इसलिए मैं डर गया था। योर ऑनर, इस जुर्म का असली मुजरिम नटराज होगा ऐसा मुझे शक हुआ था। जब मैंने पुलिस की सहायता से उससे पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई, लेकिन नटराज ने पुलिस से जो कहा उसका मनी के अलावा दूसरा चश्मदीद गवाह कोई और नहीं था, इसलिए मनी के मुंह से ही सच उगलवाने के लिए मुझे विद्वान न्यायाधीश के सामने कुछ नाटक करने की जरूरत पड़ी। इसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरे क्लाइंट सुंदर के ऊपर कोई भी जुर्म साबित नहीं होने की वजह से उन्हें बाइज्जत बरी करने की प्रार्थना करता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर राजा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मिस्टर चंद्र। तमाम सबूत और गवाह के आधार पर मिस्टर सुंदर पूरी तरह से बेगुनाह साबित होते हैं, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तुम कहां चल दिए सिद्धू? सुप्रीम कोर्ट? माता, इस केस से जुड़े हुए तमाम मुजरिमों को पुलिस अपनी हिरासत में ले ले। इस केस में जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना मिस्टर राजा ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। कोर्ट उनका सम्मान करती है। मिस्टर सुंदर को गुनहगार साबित करने के लिए कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीति का गलत इस्तेमाल किया है, जो बेहद ही शर्मनाक है। ऐसे भ्रष्ट राजनेताओं को जो समाज को गंदा करते हैं सरकार भी उन्हें दंडित करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आपका धन्यवाद। अच्छा अमन, चलता हूँ मैं। ठीक है सर। इसे नीचे छोड़ और कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर ले। आप भी कर लीजिएगा सर। मुझे मुसीबत में क्यों डालता है? फिर आइएगा सर। हेलो हेमा। हेलो।
मिस्टर सुंदर ने भी फोन किया था। अभी से ही जा रहे हो क्या? हाँ हेमा, आज ही मद्रास पहुंचकर वहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी है। जाने से पहले घर में नहीं आएंगे क्या? क्या बोली? नहीं आएंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, चलो। मैं भी आप ही की कार में चलती हूँ। घर चले या दिल्ली चले? इस खामोशी का मतलब हाँ है ना?